نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب النكاح निकाह का बयान। निकाह का मादा नून काफ हा से है। इसका मतलब जोड़ना, मिलाना या दाखिल करना से है। शरई इस्तिलाह में निकाह उस अमल, उस फेल को कहते हैं कि जिसके हो जाने या कर लेने के बाद दो नामहरम मर्द और औरतों के लिए अजवाजी जिस्मानी ताल्लुक हलाल और जायज हो जाता है और वो अजवाजी जिंदगी बहसियत शहर और बीवी गुजारना जिंदगी उनके लिए हलाल और जायज हो जाता है। निकाह हुक्म खुदाबंदी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वल के हन अयामा मिनकुम वांकिहू कि तुम निकाह कर लिया करो। फेल अमर है कि तुम निकाह कर लिया करो जो तुम्हारे मुजर्रिद हैं, यानी जिनका निकाह नहीं हुआ उनका निकाह कर लिया करो। इसी तरह ये हुक्म खुदाबंदी और फरीजा दीन के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। वमन यरगबु अन सुन्नती फलैसा मिन्ना, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उस वो मुझसे नहीं है, यानी हम से उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खारिज है। हमारा दीन एक दीन फितरत है और इसमें फितरी जरूरतों का और ख्वाहिशों का ख्याल भी रखा गया है और हुक्म भी दिया गया है। इसलिए निकाह को तरवीज दी गई है इस्लामी माशरे में, ताकि एक इस्लामी माशरे और अफराद मुसलमान अफराद के लिए बदकारी और जिनाकारी से रुकना आसान हो जाए। ये एक इस्लामी माशरे में इंस्तदादे बेहयाई, बेहयाई की रोकथाम का एक स्टेप है निकाह की तरवीज और निकाह का करना। निकाह की शराइत हमें अगर कुरान और हदीस से पता चलती हैं, फरीकैन की रजामंदी और इजाबो कबूल, वली की रजामंदी, गवाहों की मौजूदगी, खुतबाए निकाह और फिर उसके बाद हक के महर और वलीमा, ये शराइत निकाह हैं। इंशाल्लाह अब हम जैसे किताबों निकाह पढ़ते जाएंगे तो एक तरतीब में निकाह की अहमियत, फिर उसके बाद निकाह की शराइत, फिर उसके बाद रिश्ते के लिए जो जायज रिश्ते हैं जो नाजायज हैं, ये सारा वन आफ्टर द अदर जो है वो आता जाएगा। बिस्मिल्लाह। बाब नंबर एक निकाह की रगबत दिलाने का बयान। हदीस नंबर 1828 हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया तीन आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहिरात के घर आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में दरियाफ्त किया। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने आपकी इबादत को बहुत कम ख्याल किया, फिर कहने लगे हम आपकी कब बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि आपके तो अगले पिछले सब गुनाह ही माफ कर दिए गए हैं। चुनाचे उनमें से एक कहने लगा मैं तो उम्र भर पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजेदार रहूंगा और कभी नागा नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा मैं तमाम औरतों से किनारा कश रहूंगा और
कभी शादी यानी निकाह नहीं करूंगा। इस गुफ्तगु की इत्तला ज़हरे हज़रत अनस के जरिए गुफ्तगु की इत्तला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप उनके पास तशरीफ लाए और फरमाया, तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारी निस्बत अल्लाह से ज्यादा डरने वाला और तकवा इख्तियार करने वाला हूँ, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, रातों को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, नीज औरतों से निकाह भी करता हूँ। आगाह रहो, जो शख्स मेरे तरीके से इन्हराफ करेगा वो मुझसे नहीं है। कुछ अहदीस में ये भी इजाफा है कि आपने फरमाया था कि तुम्हारी आंख का भी हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। कुछ और अहदीस हम जो पीछे पहले पढ़ चुके हैं उनमें ये बातें जो हैं इसमें शामिल की गई। हयात तैयबा का मदनी दौर का वाकया है और ये तीन आदमी जिनका तस्करा किया जा रहा है वो अगर हम देखें तो हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत उस्मान बिन माजून रजी अल्लाह ताला उनका तस्करा किया गया, लेकिन मुस्लिम की हदीस में छह मजीद लोगों का इजाफा है जिसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अबू जर, हजरत सालिम बिन मिकदाद और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला उनका इजाफा है। गोया यहां पर तीन का तस्करा है और मुस्लिम में छह और का इजाफा कर दिया गया है। ये लोगों ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और उन्होंने तस्करा किया कि हमें जिक्र हमें बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद और रोजों की कैफियत किया है, तो उनको ये लगा कि ये कम है और फिर उन्होंने खुद से खुद रिज्यूम किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बख्शिशों के वादे, सो वी नीड टू एक्सीड, हमें से ज्यादा करना है, और फिर उन्होंने इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देने का तस्करा और वादा मुआहिदा आपस में किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नफी फरमाई और आपने फरमाया कि मैं रोजे रखो भी और छोड़ो भी, निकाह भी करो, सो भी और जागो भी। असल में हमारा दीन ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, हमारे अहकामात आसान और सहल। आपने फरमाया था ना, मुझे आसान और सहल अहकामात देकर, दीन देकर भेजा गया, और हदीस के अल्फाज भी हैं, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानी करो, मुश्किलात और तंगियां ना करो। हमारा दीन दीने फितरत है और हमारे इस दीने इस्लाम और दीने फितरत में अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान और हदीस के जरिए तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की फितरी और जायज जरूरतों का ख्याल भी रखा है, उनके लिए लचक सहूलत और अहकामात भी दिए हैं और इन जायज फितरी ख्वाहिशात की तकमील का हुक्म भी दिया गया है। जायज फितरी ख्वाहिशात को छोड़ देना, रहबानियत करना, वो जो ईसाइयों के अंदर रहबानियत का तस्वुर है, वो उनके राहिब और पादरी, राहबा का मतलब है खौफ, और राहिब और राहिबाएं उनकी वो ख्वातीन और वो मर्द हैं जो दुनिया की इन रंगीनियों में रहते हुए इनके अंदर उलझ कर उनको ये खौफ होता था, ये डर होता था कि अगर हम दुनिया की रंगीनियों के दरमियान रहेंगे तो हमारा ईमान बिगड़ जाएगा और हमारे दीन में खलल पैदा हो जाएगा, तो इसलिए वो इन दुनिया की रानाइयों और रंगीनियों को बिल्कुल खौफ खुदा और फिक्र आखरत की बुनियाद पर तर्क कर देते थे, राहिब और राहिबा बन जाते थे। उनके पादरी, उनके नंस, उनकी मॉन्ग्स, उनके सिस्टर्स और ब्रदर्स का ये तरीका, ना वो अच्छा खाते हैं, ना वो अच्छा पहनते हैं, और ना वो सजती हैं, ना बनती हैं, सवरती हैं, हदूद के अंदर भी निकाह भी नहीं करते और अपने घरों के ऐश और इश्त को छोड़ देते हैं, तारिक दुनिया बन जाते हैं। ये तस्वुर इस्लाम का तस्वुर नहीं है। अल्लाह ने खुद सूरह अल इमरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनद ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, कि अल्लाह ने वाज़े तौर पर यह बात बता दी कि इन चीजों की मोहब्बत मैंने खुद दिलों में डाली और औरतों को हुब्बु शहावात की फहरिस्त में टॉप ऑफ द लाइन रखा गया। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, ये औरतें हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, अजवाजी ताल्लुक को जिस्म और लिबास से तशबीह दी गई है। मर्दों को कहा गया है, निसाउकुम हरसुल लकुम, ये बीवियां, ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। अल्लाह ने अजवाजी रिश्ते का मकसद बताया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम दोनों अजवाज निकाह के बंधन में बंधने के बाद घर आबाद करो, एक निजाम चलाओ और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बायस सुकून और राहत बन जाओ। तो ये वो बीवियां और ये वो अजवाजी ताल्लुक जो लिबास है, जो खेतियां हैं, जो सुकून और राहत का जरिया है, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने खुद दिलों में डाली है, उनके साथ ताल्लुक को हराम करना दीन का तरीका नहीं है। अगर इन चीजों को हराम कर लिया जाएगा तो फिर अपनी फितरी ख्वाहिशात
को अगर पूरा ना किया गया तो फिर बदकारी और जिनाकारी के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए कुरान और हदीस ने निकाह का हुक्म दिया है, इसको हुक्म खुदाबंदी फरीजा दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौकदा करार दिया गया। और ये जिस्म को भी बदकारी से, निगाहों को जिनाकारी से और माशरे को हर किस्म की हरामकारी से बचाने का जरिया। मैं फिर बताऊंगी कि निकाह की तरवीज जो है वो इस्लामी माशरे में बेहयाई के इंस्तिदाद का एक बेहतरीन और मुअस्सर तरीन तरीका कार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरे दीन में रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं, मेरे दीन में रहबानियत के सारे फायदे जिहाद से हासिल होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारी अजवाज जो हैं वो तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए आजमाइश है। लेकिन असल बात यह है कि ये इम्तिहान के पर्चे, इनको छोड़ के इनको वॉकआउट भी नहीं करना। रिश्तों को कुरान और हदीस के पैमाने से अजवाजी रिश्तों को कायम करना है, हदूदुल्लाह के मुताबिक कायम करना है, अपनी अजवाज के हकूक अदा करने हैं, अपने फराइज अदा करने हैं पूरी फर्ज शनासी के साथ हदूदुल्लाह के मुताबिक, और खौफ खुदा का तकाजा रख के इनके हकूक अदा करते हुए अजवाज को एक दूसरे की तरबियत और तजकिया का जरिया बनाना है, ताकि यही क्या बन जाए, आंखों की ठंडक भी बन जाए और यही जो है वो सदका जारिया, वो बाकियात तो सवालिहात भी बन जाए। तो ये एक मोतदिल सा तरीका कार जो है वो हमें शरीयत सिखाती है। बाब नंबर दो, मुजर्रद रहने और खसी हो जाने की मुमानियत। हदीस नंबर 1829, हज़रत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन माजून रजी अल्लाह तआला को तर्क निकाह यानी मुजर्रद रहने से मना फरमा दिया था, अगर आप उसे निकाह के बगैर रहने की इजाजत देते तो हम सब भी खसी होना पसंद करते। हदीस नंबर 1830, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि वो कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान आदमी हूं, अंदेशा है कि कहीं मुझसे बदकारी ना हो जाए क्योंकि मुझ में किसी औरत से निकाह करने की इस्तेआत नहीं है। आपने मुझे कोई जवाब ना दिया, फिर मैंने अर्ज किया तो फिर खामोश रहे, मैंने फिर अर्ज किया तो आप फिर खामोश रहे, मैंने फिर अर्ज किया तो आपने फरमाया ए अबू हुरैरा, जो कुछ आपकी तकदीर में है वो कलम लिख कर खुश्क हो गया है, अब तू चाहे खसी हो चाहे ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किया और इन्होंने बहुत ताखीर से इस्लाम कबूल किया, और जब ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो अपने से आगे बहुत से सहाबा इकराम को देखने की वजह से इनके दिलों में एक परेशानी और एक नदामत थी, और इस नदामत की वजह थी कि इन्होंने अपने सारी दुनिया के मामलात को तर्क कर दिया था, और तर्क करके ये मस्जिद नबवी के पास जो चबूतरा, वो सुफा का चबूतरा था जहां पर अहले सुफा रहा करते थे, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला उन असहाबे सुफा की सफ में शामिल हो गए और सारा दिन और सारे औकात में वो कुरान और इसको सीखते और सिखाते और समझने के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। हमा वक्त फुल टाइम दीन सीखना सिखाना अब इनकी जिंदगी का महवर और मरकज बन गया। कोई जरिया माश भी नहीं था, और वाकयात आते हैं कि वो कैसे भूख और इफलास का शिकार होते थे और कैसे भूख से बेहोश होकर, निढाल होकर बेहोश हो जाते थे। तो चूंकि इनके पास कोई माली इस्तेआत नहीं थी, और फिर ये कि हमा वक्त ये काम भी दीन का करना चाहते थे, तो उन्होंने इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तज़किरा किया कि मैं क्या करूं। उन्होंने तस्करा किया कि मैं इसका क्या हल करूं कि मेरे पास माली इस्तेआत नहीं है कि मैं निकाह करूं, तो मुझे हल क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहर हाल निकाह के ना करने को पसंद नहीं फरमाया, और आपने फरमाया कि तकदीर में कलम खुश्क हो चुके हैं का मतलब यह कि तकदीर में जो लिखा जा चुका है वो लिखा जा चुका है। बहरहाल आपने किसी हद में और किसी शक्ल में भी तर्क के दुनिया को, रहबानियत को पसंद नहीं किया, और निकाह को तर्क करने का रिवाज आपने कहीं भी कोई जवाज और लचक आपने अता नहीं दी, ना कुरान ने दी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। बाब नंबर 3, कंवारी दोशीजा से निकाह करने का बयान। ये पहली 3 अहादीस जो थी वो तो इस हवाले से थी कि निकाह की अहमियत क्या है और उसके हुक्म को की फर्जियत का क्या तसव्वुर है। अब यहां से आगे निकाह के पैमाने यानी अजवाज को तलाश करने के लिए हदीस ने क्या पैमाने और क्या प्री रिक्विजिट्स और क्या सिफात और कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की हैं। बाब नंबर 3, कंवारी दोशीजा से निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 1831, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप किसी जंगल में तशरीफ ले जाएं और वहां एक दरख्त हो कि उससे
किसी जानवर ने कुछ खा लिया हो और एक ऐसा दरख्त हो कि जिसको किसी ने छुआ तक ना हो, तो आप अपने ऊंट को किस तरह से चराएंगे? आपने फरमाया उस तरह से जिससे कुछ न खाया गया हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकसूद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी कमारी औरत से निकाह नहीं किया। गोया यहां पर निकाह के पैमाने के लिए तरजीहन कमारी का तस्करा आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहिरात ने बाकी तमाम शोहर दीदा थी, तमाम अजवाज मुताहिरात जो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्द निकाह में आईं, वो सब शोहर दीदा थी, सिर्फ और सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कमारी थी। और अलबत्ता कुरान में जब अच्छी बीवियों की सिफात आती हैं तो उन अच्छी बीवियों की सिफात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात में भी वही तस्करा आता है। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला सूरह तहरीम में जब अच्छी बीवियों की सिफात बताता है तो वहां पर तय्यिबात नौअबकारा, कि वो चाहे शोहर दीदा हो चाहे वो कवारियां हो, तो वहां पर कोई फर्क नहीं बताया गया। हमारे माशरे में तो शोहर दीदा खवातीन कोई मुतल्लिका है कोई बेवा है उसका निकाह ही गोया अम्रे महाल बन जाता है, लेकिन अरब माशरे में और हयात तय्यबा में ऐसा मामला हरगिज नहीं था। बाब नंबर 4, कम सिन दोशीजा का निकाह किसी बुजुर्ग से करना। हदीस नंबर 1832 हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ही से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से उनके बारे में, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पैगाम में निकाह दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूं। आपने जवाब दिया, आप तो मेरे भाई अल्लाह के दीन और उसकी किताब की रूह से हैं, लिहाजा वो आयशा मेरे लिए हलाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने भाई कहकर यह कहा कि वो तो फिर आपकी भतीजी हुई इस हवाले से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की बहुत मोहब्बत है, बहुत कुर्बत है, बहुत प्यारा साथ है, लेकिन नसब का ताल्लुक तो नहीं था, हकीकी भाई तो नहीं थे, दीनी भाई थे। तो उस हवाले से चूंकि वो हकीकी भतीजी नहीं थी तो इसलिए उनके साथ निकाह का तसव्वुर मौजूद था। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर हुआ था। हमें पता चलता है कि हदीस मुबारका में आता है कि हजरत जिब्राइल ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दो रातें, यानी आपको ख्वाब में रेशम के रुमाल में लिपटी हुई हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पेश की थी। गोया ये हुक्म खुदाबंदी था, यह निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ था, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत को, ख्वाहिश को, रगबत को किसी किस्म का कोई मामला नहीं था। मैं पीछे भी वजाहत कर चुकी हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार से जो जायद निकाह थे उस पर जो इतराज किया जाता है उसके जवाब में मैंने पीछे वजाहत से बात की थी और तमाम निकाहों की मुख्तसरन मैंने हिकमत भी बताई थी। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो निकाह तो सबसे ज्यादा तनकीद का जरिया बनाया जाता है, हालांकि ये वो निकाह है जो सबसे ज्यादा खैर बरकत और दीन इस्लाम की हिफाजत का जरिया भी बना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ था, खालिसतन अल्लाह के हुक्म और वही इलाही की बुनियाद पर हुआ था। और हमें यह पता चलता है कि इस निकाह से यह जवाज वाज़े तौर पर पता चलता है कि एक नाबालिग बच्ची का निकाह एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त आपकी उम्र 50 साल से तकरीबन 50 साल के लगभग थी, से भी ज्यादा थी, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी नाबालिग थी। कुछ की रवायात में 9 साल, कहीं 7 साल, कहीं 11 साल का तस्करा आता है, पर बहरहाल वो नाबालिग थी। तो गोया एक नाबालिग बच्ची का निकाह भी हो सकता है। ये हुक्म नहीं है, ये फरीजा दीन नहीं है, ये सुन्नत मौकदा नहीं है, ये छूट है, ये लचक है, ये एक इजाजत है मजबूरी की हालत के लिए, और इस छूट और लचक के लिए प्रेसिडेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निकाह को बना दिया गया। ये वो चीज है जो बसा औकात शायद लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाबालिग बच्ची के साथ निकाह करके ये प्रेसिडेंस साबित कर दी गई कि व्हेन एंड वेयर नीडेड इट इज पॉसिबल। मैंने उधर भी आपको बताया था, शायद मुख्तसरन दोहरा दूं, कि कई दफा ऐसी सिचुएशंस
डिफिकल्ट सिचुएशंस हो जाती हैं कि निकाह उस वक्त बेहतरीन ऑप्शन होता है। मसलन मैंने अपनी हयात में अपनी जिंदगी में ये तजुर्बा किया। एक खातून थी, वो कैंसर की पेशेंट थी, उनकी एक बच्ची थी जो जिसके फौत हो जाने माँ को डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अब इनकी जिंदगी की इनको ज्यादा उम्मीद नहीं है, और मेदे का कैंसर था और बहुत तकलीफ में भी थी। लेकिन वो छोटी सी यतीम बच्ची जिसका ना कोई मामू था, ना वालिद था, ना कोई भाई था, ना कोई चचा मामू उसका हाथ पकड़ने को तैयार था, तो वालिदा को शदीद परेशानी थी कि अब इस बच्ची का क्या होगा, किसी यतीम खाने के छोड़ेंगी। तो फिर इन्होंने उसका निकाह कर दिया और बड़े सुकून के साथ वो गई, क्योंकि उनको पता था कि अपने घर में आबाद है और इंशाल्लाह वहीं पर, और उसकी सास के हवाले किया कि तुम इसको माँ की तरह पालना। और मैं गवाह हूं कि उस वालिदा ने बहुत ही प्यार के साथ अपनी उस छोटी सी बहू को बेटी की तरह पाला और फिर दीन के रंग में भी रंगा और बेहतरीन तालीम और तरबियत भी दी। तो ये उन हालात के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए एक नमूना दिया गया कि दिस इज अ प्रेसिडेंस एंड इट इज परमिसेबल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। और दूसरी बात है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा तो बहुत छोटी उम्र में, वो बिल्कुल वो स्कूल गोइंग की अर्ली उम्र, कॉलेज और सारे का सारा वो ट्रेनिंग और एजुकेशन और इल्म के हसूल का वक्त जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन माहौल में गुजारती हैं। इसने हाफिज़ा कुरान बनी, बहुत सी अहदीस इनसे बरवी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो दीन सिखाती थी और खेमे लगाती थी अपने हज के हर साल में, और बहुत सा दीन की हिफाजत का जरिया बनी। तो ये दीन तो बहुत, ये निकाह जो एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ हुआ, ये बहुत खैर व बरकत का जरिया बना। और फिर सबसे बढ़कर ये कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को प्रैक्टिकली उनके समधी होने के रिश्ते से जोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में डायरेक्टली जोड़ दिया गया, और वो मोहब्बत का बॉन्ड जो है वो खलीफा अव्वल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डेवलप कर दिया गया। बाब नंबर 5, हम पल्ला होने में दीनदार को तरजीह देना, मियां बीवी का दीन में यकसा होना। हदीस नंबर 1833, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ही से रवायत है कि हजरत अबू हुज़ैफा बिन उतबा बिन रबिया बिन अब्दुल शम्स, जो जंगे बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक थे, उन्होंने हजरत सालिम को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था और उससे अपनी भतीजी हिंदा बिनते वलीद बिन उतबा बिन रबिया का निकाह कर दिया था, जबकि हजरत सालिम एक अंसारी औरत के गुलाम थे। हजरत अबू हुज़ैफा ने उसे अपना लेपालक यानी अडॉप्टेड बेटा बना लिया, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना बेटा बना लिया था। जमाना जाहिलियत का यह दस्तूर था कि अगर कोई किसी को अपना बेटा बनाता था तो लोग उसकी तरफ मंसूब करके उसे पुकारते थे, और उसके मरने के बाद भी वारिस वकी होता था, यहां तक कि अल्लाह ने यह आयत उतार ली, उदुउहुम ली आबाएहिम, उनको उनके बापों के नामों से पुकारो, कि हर शख्स को उसके असली नाम के बाप से पुकारो, और अल्लाह के नजदीक ये कि बेहतर है अगर तुम किसी की हकीकी बाप का इल्म नहीं रखते तो वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे मौला है। इसके बाद तमाम ले पालक अपने हकीकी बाप के नाम से पुकारे जाने लगे। अगर किसी का बाप मालूम ना होता तो उसे मौला और दीनी भाई कहा जाता। इसके बाद हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हजरत सलमा बिनते सुहेल बिन उम्र कुरैशी बनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आज तक सालिम को अपना हकीकी बेटा समझते रहे, अब अल्लाह ने जो हुक्म उतारा है वो आपको मालूम है। और फिर आखिर तक तमाम हदीस पे गोया इस पूरी की पूरी हदीस से, सबसे पहले तो अगर आप बाप का देखें कि निकाह में कुफ और बराबरी का ख्याल रखना, अल इकफाउ फिद्दीन, के रिश्ते में जो अगला पैमाना, निकाह के लिए जो अगला पैमाना जरूरी है वो दोनों अजवाज और उस मर्द और औरत के कुफ और बराबरी, और कुफ और बराबरी में कौन सी चीज, उनके दीन में कुफ और बराबरी और हम पल्ला होने को मद्देनजर रखा जाएगा। कुफ का मतलब है हम पल्ला होना, बराबर होना, ऑलमोस्ट सिमिलर, अलाइक और इक्वल होना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को रब्बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस के अल्फाज में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अली तीन बातों में ताखीर ना करना, फर्ज नमाज की अदायगी में जब उसका वक्त हो जाए, मैयत के दफनाने में जब जनाजा तैयार हो जाए, और लड़की के निकाह में जब कुफ और बराबरी का रिश्ता मिल जाए।
सबसे पहली बात तो ये कि निकाह में बिला वजह की ताखीर करना, टाल मटोल करना, जैसे आज हमारे माशे में है, लड़कों के निकाह में ताखीर की जाती है कि ये पढ़ रहा है, अभी अपने आप को सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, अभी तो अपने कदमों पे भी खड़ा नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस पर आगे चल के बात करती हूँ। लड़कियों को भी प्रोफेशनल एजुकेशन दिलवाई जाती है, और प्रोफेशनल एजुकेशन इसलिए दिलवाई जाती है इनके पास डिग्री होगी, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होंगी, कुछ कमाने के काबिल होंगी। मर्द और औरत जो है वो तो गाड़ी के दो पहिए, ये भी कमाएगी वो भी कमाएगा, तभी आजकल की इस महंगाई के दौर में घर का गुजरान चलेगा। माशी कफालत का बोझ अल्लाह ने मर्द के जिम्मे डाला है, उसी वजह से अल्लाह ने उसको कवाम बनाया है, उसी वजह से अल्लाह ने उसको कवामियत का हक दिया है। ये दो गाड़ी के पहिए जो है, एक गाड़ी का पहिया बाहर का निजाम चलाते हैं और एक खातून जो है वो अंदर का निजाम चलाती है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको जिस्मानी लिहाज से, असाबी लिहाज से, हर लिहाज से, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर लिहाज से फर्क बनाए, इनके दायरे भी फर्क है। उसका दायरा घर के बाहर है क्योंकि वो ताकतवर है, वो मजबूत है, वो इमोशनली और फिजिकली टफ है, हार्डी है, रेजिलियंट है, वो बाहर निकलेगा, धूप छांव गर्मी ऊंच नीच कड़वी कसैली बातें सुनेगा, इनके लिए कमा के लाएगा। इसका दायरा कार ये कमजोर है, ये नाजुक है, ये टूट के मोहब्बत करने वाली, इसका दायरा कार इसके घर के अंदर है। ये दो पहिए अंदर और बाहर के निजाम को चलाएंगे, ये माशी कफालत का निजाम नहीं है। बच्चियों को कितना कितना बड़ा कर लिया जाता है। हदीस के अल्फाज देख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो हजरत अली को ताकीद फरमाई, और सही हदीस के अल्फाज हैं कि जब बच्ची बालिग हो जाती है उसके बावजूद उसका बाप उसका निकाह नहीं करता और वो बदकारी की मुर्तकिब होती है तो गुनाह बाप की तरफ भी जाता है। तो गोया ये वो चीजें हैं जिसको आज रवाज देना है, ये रवाज देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें यह पता चलता है कि उनका हम पल्ला और बराबर और कुफ होना जरूरी है। कुफ और बराबरी किस चीज में होनी जरूरी है? उनके घराने के लिहाज से, उनके माशी और इकोनॉमिक सिस्टम के लिहाज से। अगर माशी लिहाज से भी बहुत ज्यादा फर्क हो तो निभा मुश्किल हो जाता है। तालीम के लिहाज से, मेंटल स्टेटस के लिहाज से, और सबसे बढ़ के उनका दीन में कुफ और बराबरी होना जरूरी है। एक बहुत दीनदार बच्ची को अगर बिल्कुल बेदीन घराने में बांध दिया जाता है तो उसके दीन को सिर्फ खतरा और नुकसान नहीं है, उसके ईमान को बिगड़ने का खतरा भी है। इसी तरह एक दीनदार बच्चे के लिए एक दीनदार बच्ची जरूरी है। तो ये कुफ और बराबरी का मामला भी, बेजोड़ रिश्ते जब बांध दिए जाते हैं तो उनके अंदर भी निभा जो है वो मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि निकाह के लिए जो रिश्ता तलाश किया जाएगा उसमें कुफ और बराबरी को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। हमारा दीन बहुत प्रैक्टिकल है। इस हदीस में जो तसव्वुर समझाया जा रहा है वो ले पालक बच्चों का, बेटों का तस्करा किया जा रहा है क्योंकि उस माशरे में तो वो तो अपनी पैदा होने वाली बच्चियों को दबा देते थे और कुओं में फेंक देते थे और गले दबा देते थे, बेटियों को अडॉप्ट करने का तो तसव्वुर ही नहीं था। तो इसलिए बेटों की बात कुरान और हदीस में की गई है, लेकिन इसमें अहकामात जो है वो बेटे और बेटियों दोनों के लिए। अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान में वाज तौर पर फरमाया कि वो बच्चे तुम्हारे मुंह बोले बेटे जिनको तुम अपने नाम से पुकारते हो वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं हो सकते। और अल्लाह ने फिर वाज तौर पर फरमा दिया जो आयत यहां पर तर्जुमा मैंने पढ़ा कि तुम अपने ले पालक अडॉप्टेड बच्चों को उनके हकीकी बापों के नाम से पुकारो, और अगर तुम्हें उनके हकीकी बाप का नाम पता नहीं है तो फिर उनको अपना दीनी भाई कहो, उनको अपना नाम मत दो। गोया अगर आप इस हदीस में भी और आप कुरान की उस आयत में भी जो कॉमन पैगाम समझ में आ रहा है वो ये कि अल्लाह सुबहाना ताला ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि अडॉप्टेड बच्चों को कोई अडॉप्टिंग पेरेंट्स अपना तशख्स, अपनी एंटिटी और अपना सर नेम नहीं देंगे। और हदीस भी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानते बूझते अपने आप को किसी गैर बाप के साथ मंसूब किया उसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाया। इसी तरह अगर बेटा अपने आप को किसी के साथ मंसूब करता है या बाप किसी और को अपना बेटा बनाता है तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाता है। ये कबीरा गुनाह है। शरीयत ने इससे मना क्यों किया? इसमें बहुत सी हिकमत अमली है। सबसे पहली बात तो कि ये झूठ है, झूठ उम्मुल खबाइस है। अगर एक रिश्ते का, एक बंधन का आगाज ही झूठ के साथ हो रहा है तो उसमें क्या बरकत आएगी? कबीरा गुनाह के साथ, उम्मुल खबाइस के साथ एक रिश्ते का आगाज होता है और वो बच्चा जिंदगी में आते और ये अनाउंस कर दिया जाता है कि ये हमारा हकीकी बच्चा, तो ये झूठ है। और फिर ये झूठ एक दफा तो नहीं होगा, ये तो एक
एंडलेस नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ झूठों का जो सारी जिंदगी चलता रहेगा और फिर झूठ पे झूठ बढ़ता रहेगा। तो वो रिश्ता, वो ताल्लुक जिसका ताना बाना, जिसका आगाज ही झूठ में हुआ, उसमें क्या खाक खैर बरकत आएगी, उसमें कैसे अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये झूठ छुपता भी नहीं है, ये झूठ रहता भी नहीं है। एट अ लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वो उड़ती उड़ती इस अडॉप्टेड बच्चे के कान में जब बात पड़ जाती है कि मैं अडॉप्टेड बच्चा हूं और ये मेरे हकीकी माँ बाप नहीं है, तो जब उसका तशख्खुस उसको हकीकी तौर पर पता चलता है तो फिर वो बसाओकात कभी ऐसे पर्सनैलिटी क्राइसिस का शिकार होता है, ऐसे अंदर से टूट के मजरूह होके रह जाता है कि फिर वो पालने वाले जो उसके मोहसिन थे वो उनको मोहसिनों के तौर पर भी नहीं मानता। अगर डे वन से वो मालदैन नहीं मोहसिनों के तौर पर मुतारिफ होते तो शायद उनके एहसानात का इतराफ करता और उनका एहसान मंद रहता। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस में आके वो शायद बिगड़ के बिल्कुल इनसे मुतनफर और खाइफ हो जाते हैं और फिर वो एक टोटल वैक्यूम और खला उसकी शख्सियत में जो होता है और एक गुमनाम शख्सियत का वो जो शिकार होता है उसकी वजह से वो इमोशनल क्राइसिस में आके वो बहुत गलत काम कर जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ये रिश्ते जो अगर वो बेटा है तो वो माँ का महरम नहीं है, बेटी है तो वो बाप के साथ महरम नहीं है। पर्दे के मसाइल हैं, लिबास के मसाइल हैं और फिर आगे वरासत के मसाइल हैं। ये हकीकी वारिस नहीं है, वरासत के अहकामात में कमी और कोताही होगी। तो लिहाजा जब अल्लाह कुरान और हदीस में अहकामात बताते हैं तो हमें उनकी हिकमत समझ आए या ना आए उन पर जरूरी अमल कर लेना है। अडॉप्टेड बच्चों को अपनी शनाख्त नहीं दी जाएगी। बहरहाल अडॉप्टेड बच्चों के पर्दे का मामला जो है उसको सेटल करने के लिए और उनको महरम रिश्ता बनाने के लिए वो वालदा जो है वो दूध पिला दे या फिर ये कि उसके शौहर के रिश्ते या उसके अपनी रिश्तेदार माएं, उसकी बहनें, बेटियां, भांजियां, जो भांजियां भतीजियां वो दूध पिला लें तो रजात के रिश्ते के जरिए ये महरम होने का मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वो वारिस नहीं बनेगा। वसीयत का जो एक तिहाई हिस्सा है वो इस एक अडॉप्टेड बच्चे को दिया जा सकता है लेकिन उस वसीयत से ज्यादा उसको वरासत में जायज हक नहीं दिया जाएगा। हाँ, जिंदगी में अगर कोई हिबा करना चाहता है तो फिर उसके मामले में अदल का तकाजा किया जा सकता। हदीस नंबर 1834 हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुबा बिनते जुबैर रजी अल्लाह तआला के पास तशरीफ लेके और पूछा कि शायद तेरा हज को जाने का इरादा है। उसने कहा हाँ, लेकिन मैं अपने आप को बीमार महसूस करती हूँ। आपने फरमाया कि हज का एहराम बांध ले और एहराम के वक्त ये शर्त कर ले कि ए अल्लाह तू मुझे जहां पर रोक देगा मैं वहीं एहराम खोल दूंगी। और कुरैशी औरत मिकदाद बिन असवद के निकाह में थी। हदीस नंबर 1835 हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया औरत से मालदारी, खानदानी वजाहत, हुस्न व जमाल और दीनदारी की बायस निकाह किया जाता है। तेरे दोनों हाथ खा कालूद हों, तुझे कोई दीनदार औरत हासिल करनी चाहिए। तो गोया अब अगला पैमाना जो निकाह का बताया जा रहा है वो क्या है, तीन पैमाने बताए जा रहे हैं। मिलती जुलती एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों से चार बातों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, उनके माल की बुनियाद पर, उनके खानदान की बुनियाद पर, उनके हुस्न और जमाल की बुनियाद पर और उनके दीन की बुनियाद पर। तुम्हारा भला हो, तुम औरतों से उनके दीन की बुनियाद पर निकाह करो। गोया तरजीहन द प्राइमरी और बेसिक प्रायोरिटी जो है उसको दीन को बनाया गया। इसी तरह हदीस में एक और ज्यादा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आपने फरमाया कि तुम औरत से सिर्फ उसके हुसन की बुनियाद पर निकाह न करना, हो सकता है उसका हुसन उसको बर्बादी की तरफ ले जाए। तुम औरत से सिर्फ उसके माल की बुनियाद पर निकाह न करना, हो सकता है उसका माल उसको हलाकत की तरफ ले जाए। तुम औरत से उसके दीन की बुनियाद पर निकाह करो। बस औकात वो माल का तकब्बुर ही इतना होता है, मैं इतने मालदार घराने की, मेरा बाप इतना मालदार, हम इतने अमीर, हम इतने कबीर, तो ये घुमंड वो किसी को खातिर में नहीं लाती, वो शोहर को खातिर में नहीं लाती, अपने ससुराल वालों को किसी खातिर में नहीं लाती, वो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। और तकब्बुर की वजह से वो किसी से घुले मिलेगी नहीं, उसके रिश्तों में मोहब्बत नहीं आएगी। और फिर कई दफा हुसन की वजह से, हुसन का तकब्बुर, मैं इतनी खूबसूरत, मेरा इतना हुस्न और जमाल और ये पता नहीं बदसूरत नखट्टू कहां से मेरे मत्थे लग गया, वो किसी को वो परवाही नहीं करेगी, किसी को सबको हकीर समझेगी, किसी को काला, किसी को किसी तरह का। तो ये जो कुफ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ माल और हुसन की बुनियाद पर निकाह नहीं, दीन को निकाह की बुनियाद बनाया गया था। और वो बड़ी क्लियर कट हदीस है, आपने फरमाया जब तुम्हें किसी
ऐसे शख्स की तरफ से निकाह का पैगाम आए जिसके दीन और अखलाक से तुम मुतमईन हो, तो तुम उस निकाह को, उसके पैगाम को कबूल कर लो। दो पैमाने दीन और अखलाक बताए गए। और सिर्फ ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने बेटों और बेटियों के लिए ये पैमाने दिखाए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जाती नमूना भी देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में, उस्मान गनी माल की वजह से नहीं भेजा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो उनकी सखावत थी, उनका ईमान था, उनका तकवा था, उनका खौफ खुदा था कि लिल्ला फिल्ला जितना माल था वो अल्लाह की राह में खर्च करते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाली कहा गया था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां गोया उनकी आंखों का नूर, उनके दिलों का सुरूर, उनके दिलों की ठंडक है ना, दो नूरों वाले। और फिर ये कि आपने फरमाया था कि अगर मेरी तीसरी बेटी होती और निकाह के काबिल होती तो मैं वो भी उस्मान रजी अल्लाह तआला के अक़्द निकाह में दे देता। ये दोनों बहनें बयक वक्त नहीं, एक बहन के फौत हो जाने के बाद अगली बहन का निकाह हुआ था। और फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिसके लिए आप, जिनके लिए फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किसके साथ हुआ था? अली इल्म का दरवाजा है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा है, असदुल्लाह है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमें पता चलता है कि जब हजरत फातिमा निकाह की उम्र को पहुंची तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके कुछ दोस्त ने या किसी एक लौंडी ने मशवरा दिया कि आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ मांग लें। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए लेकिन खामोशी से बैठे हुए थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत हलीम और बुर्दबार थे, मामला फहम थे, और वैसे हजरत अली तो उनके हाथों में पले बड़े हैं ना, भाई एक छोटे से बच्चे की तरह पाला था इनको, तो इस चचाजाद भाई के मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपने फरमाया अली इतने खामोश क्यों? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर भी खामोश है। आपने फरमाया अली बोलते क्यों नहीं हो? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर भी खामोश है। आपने फरमाया क्या फातिमा का हाथ मांगने आए हो? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इकरार किया, तो आपने फरमाया कि फिर मांगते क्यों नहीं हो? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतनी माली ताकत नहीं रखता, यानी मैं तो बिल्कुल ही फकीर और मुफलिस हूं, मेरे पास तो इतना माल ही नहीं, आपकी शहजादी को मैं कहाँ रखूंगा, आपकी इतनी प्यारी बेटी को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस बात को जैसे डिसरिगार्ड कर दिया कि माली सितार तो इज लाइक गोया नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने कहा वो ढाल कहाँ हुई, वो जरा कहाँ हुई? वो जरा लेकर आए, फिर उसकी बोली लगाई गई। हजरत उस्मान ने 80 दिरहम में ली और आपने आधे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वलीमे की तैयारी के लिए दिए, बाकी जो है वो हक महर हो गया हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। ये वो घराना है जहां माल नहीं है, जहां बिस्तर नहीं है, जहां बोरियां नहीं है, इसी हक महर में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को वो बिस्तर, वो चक्की, वो मशकीजा लेकर दिया था, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में कोई माल ही नहीं था, कोई बिस्तर बोरिया ही नहीं था। ऐसे घर में भी अपनी शहजादी को, अपने जिस्म के टुकड़े को भेजने में आपको कोई तरद्दुद ना रहे, अगले घर में जाएगी तो अपनी किस्मत का खाएगी, अपने तकदीर का पाएगी, अपना रिस्क साथ लेकर जाएगी और उस घर वालों का भी रिस्क लेकर जाएगी। हम माली मामलात को अपना पैमाना बना लेते हैं। और फिर जब बेटी को रुखसत किया था तो इतने तंगदस्त घराने में जाने वाली बच्ची को कहा था, फातिमा मैंने अपने घर के बेहतरीन मर्द से तुम्हारा निकाह किया है, पैमाना बेहतरीन होने का और उमदा तरीन होने का घर और कोठी और जायदाद और एसेसिटीज और लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं है। आज अगर हम अपने माशरती पैमाने देखें तो इसके बिल्कुल बरक्स है, 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। जब बेटे के लिए रिश्ता तलाश करने माएं और बहनें जाती हैं तो फिर या तो खूबसूरती और हुस्न को पैमाना, ऊंची लंबी खूबसूरत, पतली दुबली, ऐसे जैसे मॉडल है और बहुत ही रिफाइंड है, कैरी करने का स्टाइल आता हो, बोलती हो अंग्रेजी, फरफर बोलती हो, सोशली हमारे बेटे के साथ चलती फिरती उठती बैठती अच्छी और भली तो लगे, और यहां पर बड़े मालदार बाप की बेटी हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी वडेरे की, किसी जागीरदार की, किसी बड़े हाई फाई बिजनेस वो टाइकून की, और यहां किसी बहुत हाई फाई पॉलिटिकल ऑफिशियल की, किसी एम्बेसडर की, किसी सेनेटर की, किसी मिनिस्टर की, इतनी बड़ी मालदार, बहुत सा जहेज लाएगी या बहुत सा हमारा सोशल सपोर्ट बन जाएगा हमारे हमारे बेटे के लिए, और यहां फिर कोई कमाऊ प्रोफेशनल बड़ी डिग्री वाली आएगी, कमाएगी और अपने घर को चलाएगी, हमारे बेटे को भी खिलाएगी, हमारे बेटे का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एलिवेट और बूस्ट करने का जरिया बन जाएगी। बेटी का रिश्ता
पता चलता है, कोई सुझाता है, कोई बताता है कितने कनाल की कोठी है, लोकेलिटी कौन सी है। घर में दाखिल होते सार गैराज में खड़ी हुई गाड़ियों के मॉडलों को देखा जाता है। अंदर जाके वहां के सारे जो क्यूरियोस और कटलरी और क्रॉकरी की तरफ और उनके मुलाजमों की तादाद को देखते हैं। नहीं देखते तो ये नहीं देखते कि उस होने वाले दामाद के चेहरे के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी की सुन्नत भी है कि नहीं। नहीं पूछते तो ये नहीं पूछते, हाँ उसकी डिग्री भी पूछते हैं, उसकी बाहर की यूनिवर्सिटी का भी पूछते हैं, उसके राइज करने के चांसेस भी पूछते हैं, उसके एंटरप्राइजिंग और पुशिंग होने का मिजाज भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी तनख्वाह का भी पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, पूछें। लेकिन नहीं पूछते तो ये नहीं पूछते कि वो नमाजी भी है, वो बाजमात मस्जिद का बादकार भी है, उस घर के माल की जो आपको रेल पेल नजर आ रही है वो निगाहों को खीरा कर रही है, उस माल पर जकात दी जा रही है, वो माल हलाल भी है कि नहीं। आज के पैमाने ही फर्क है, आज की तरजीहात ही फर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह के पैमाने बता दिए कि दीन को अव्वलीन तरजीह बना लेना। हदीस नंबर 1836 हजरत सहल रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि एक मालदार शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आपने पूछा तुम लोग इसे कैसा जानते हो। उन्होंने कहा ये अगर किसी से रिश्ता मांगे तो निकाह कर देने के काबिल है, अगर किसी की सिफारिश करे तो फौरन मंजूर की जाएगी, अगर बात करे तो बगौड़ी सुनी जाएगी। फिर आप खामोश हो गए। इतने में मुसलमानों में से एक फकीर और नादार वहां से गुजरा तो आपने पूछा कि इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने जवाब दिया अगर रिश्ता मांगेगा तो पजीराई नहीं होगी, सिफारिश करेगा तो मंजूर नहीं होगी, अगर बात करेगा तो कोई कान भी नहीं धरेगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम रुए जमीन के ऐसे अमीरों से ये फकीर बेहतर है। असल में पैमाना किसी का माल, किसी की हुकूमत, किसी का ओहदा और इक्तदार नहीं है। पैमाना क्या है अल्लाह के नजदीक, पैमाना क्या है? अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा इकराम और इज्जत पाने वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, जिसके दिल के टुकड़े में खौफ खुदा है अल्लाह के सामने खड़े होने और हिसाब किताब और पूछे जाने का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम में से सबसे ज्यादा महबूब और नशिस्त में मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हैं, तुम में से मुझे सबसे ज्यादा नापसंद और नशिस्त में मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो शख्स है जिसके अखलाक बुरे। तो ये पैमाना किसी का माल, किसी की हुकूमत, किसी का ओहदा, किसी की जायदाद, उसकी लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी, उसकी बड़ी सी कोठी, ये कामयाबी का और ये अल्लाह के यहां ज्यादा इज्जतदारी का पैमाना नहीं है। और वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दुआ किया करते थे ना कि अल्लाह मुझे मस्कीन रखना, मस्कीनों के साथ ही मुझे फौत, मस्कीनी की हालत में ही मुझे फौत करना और मस्कीनों के साथ ही मेरा हिसाब करना। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये सवाल किया था कि आप ये क्यों दुआ करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा मस्कीन अमीरों से पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबे यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबे यसीरा। बाब नंबर 6 इशादे बारी ताला तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, इसके पेशे नजर औरत की नहूसत से परहेज करना। हदीस नंबर 1837 हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बासत के बाद दुनिया में जो फितने बाकी रह गए हैं उनमें मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा नुकसान देह फितना और कोई नहीं है। कोया इस हदीस से ये हरगिज मतलब नहीं है कि निकाह को मना किया गया, औरतों के साथ ताल्लुक को मना किया गया। क्या तरीका कार है वो मैं पीछे बता चुकी हूं कि फितने को हैंडल करने का एतदाल का तरीका क्या होगा। बाब नंबर 7 फरमाने इलाही तुम्हारी वो माएं हराम है जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और इरशादे नबी के रिश्ता खून से हराम होता है वो दूध से भी हराम हो जाता है। अब यहां से आगे हुर्मत वाले रिश्तों का तस्करा है। हदीस नंबर 1838 हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप हजरत हमजा की बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दूध के रिश्ते में मेरी भतीजी है। हदीस नंबर
1839 हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने एक शख्स की आवाज सुनी जो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में उनके आने की इजाजत मांग रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स आपके घर आने की इजाजत मांग रहा है। आपने फरमाया मैं जानता हूं कि फलां शख्स है जो हजरत हफ्सा का रजाई चचा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा अगर फलां शख्स जिंदा होता जो दूध के रिश्ते में मेरा चचा होता तो क्या वो मेरे पास यूं आ सकता था? आपने फरमाया हाँ, जो रिश्ते नस्ब से हराम हैं वो दूध पीने से भी हराम हो जाते हैं। हदीस नंबर 1840 हजरत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने बयान किया मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मेरी बहन दुख्तर अबू सुफियान से निकाह कर ले, यानी अपनी बहन को पेश किया। आपने फरमाया क्या तू ये पसंद करती है? मैंने कहा हाँ, अब भी तो मैं आपकी अकेली बीवी नहीं हूँ और क्या मुझे अपनी बहन को खैर और बरकत में अपने साथ शरीक करना गवारा नहीं है? आपने फरमाया वो मेरे लिए हलाल नहीं है। मैंने कहा हमने सुना है कि आप अबू सलमा की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। आपने पूछा वो जो उम्मे सलमा के बतन से है? मैंने कहा हाँ। आपने फरमाया अगर वो मेरी रबीबा ना होती, रबीबा बीबी की बेटी को पहली बेटी को कहते हैं, अगर वो मेरी रबीबा ना होती तब भी मेरे लिए हलाल नहीं थी क्योंकि वो दूध के रिश्ते में मेरी भतीजी है। मुझे और हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को सवैबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। देखो मुझे अपनी बेटियों और बहनों से निकाह की पेशकश ना किया करो। बाब नंबर 8 उस शख्स की दलील जो कहता है कि 2 साल के बाद रजात का कोई एतबार नहीं क्योंकि इरशाद बारी ताला है हाउलैन कामिलैन के माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये उस शख्स के लिए है जो मुद्दत रजात पूरी करना चाहता हो, नीज रजात कलील हो या कसीर, इससे हुरमत साबित हो जाती है। हदीस नंबर 1841 हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए तो उस वक्त एक शख्स उनके पास बैठा था, ये देखकर यानी एक महरम ना महरम मर्द को देखकर आपका चेहरा मुबारक मुतगैर हो गया यानी गुस्सा आया, गोया आपको ये नागवार गुजरा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया ये मेरे 2 शरीक भाई हैं। आपने फरमाया गौर व फिक्र करो कि तुम्हारा भाई कौन कौन है। रजात वही मोतबर है जिसमें बतौर गजा दूध पिया जाए। हदीस नंबर 1846 हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि किसी औरत को उसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जमा किया जाए। गोया ये जो मैंने सारी अहदीस आपको पढ़ के सुना दी, इन तमाम अहदीस में कुरान और हदीस की रूह से महरम रिश्तों का तसव्वुर समझाया जा रहा है। महरम रिश्ते ये वो 7 रिश्ते हैं मर्दों के औरतों के लिए और औरतों के मर्दों के लिए जिनके साथ निकाह करना एक औरत या मर्द के लिए हराम है। अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान में इन 7 महरम रिश्तों की वजाहत से फहरिस्त बता दी है। अल्लाह ने फरमाया है कि तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी पुफियां, तुम्हारी भांजियां, तुम्हारी भतीजियां और वो औरतें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी वो बेटियां जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई, रिबा इबुकुम तुम्हारी रबीबाएं। तो इस हवाले से वो 7 रिश्ते मर्दों के लिए औरतों के और औरतों के लिए मर्दों के वो 7 रिश्ते हराम है। इनको हुरमत वाले रिश्ते कहा जा रहे हैं। ये 7 हुरमत वाले रिश्ते नसब से हराम है। नसब यानी हमारे माँ के पेट के रिश्ते जो खून के ब्लड रिलेशंस हैं उसके हवाले से ये 7 रिश्ते हराम है। गोया औरतों के लिए बाप, गोया अगर औरतों में रिश्ते देखे जाएं तो माँ चाहे वो सगी माँ है या सौतेली माँ है,
नानी और दादी, परनानी और परदादी, फिर बेटी, चाहे वो हकीकी बेटी है या सोतेली बेटी है जिसे रबीबा कहा जाता है, और या फिर सगी और सोतेली बेटी के साथ नवासियां, पोतियां, पड़नवासियां या ग्रेट ग्रैंड बेटियां जो हैं वो भी इसी जुमरे में आएंगी। फिर बहनें, सगी या सोतेली, फिर खालाएं, फिर फूफियां, फिर भांजियां और भतीजियां, और इन्हीं के जो रिलेशंस हैं, मिलते जुलते रिलेशंस, मर्दों के लिए हराम है। ये सात रिश्ते नसब से हराम है, और इन सात नसब वाले रिश्तों के साथ एक औरत कभी निकाह नहीं कर सकती, और इन्हीं से मिलते जुलते सात मर्द रिश्ते जो हैं उनके साथ मर्द कभी रिश्ता या शादी नहीं कर सकते। ये नसब के हवाले से। दूसरे आपने यहां पर देखा रजात के हवाले से भी वही सात रिश्ते, नसब से जो सात रिश्ते हैं वही सात रिश्ते अगर रजात से साबित हो तो उनके साथ भी अबदी हुरमत है। रजात में अगर हमने इन अहदीस में पढ़ा, और इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी रजात के साथ हुरमत साबित होगी, मुतफरिक आरा आइमा इकराम की भी और सहाबा इकराम की भी मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन अगर मैं उसका खुलासा आपको बता दूं तो कोई शख्स अगर किसी ने किसी माँ की छाती से दो या कुछ की नजर में पांच दफा दूध, इतना दूध पिया हो मुद्दते रजात में यानी ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन के दौरान, अगर दो या पांच दफा तक अगर दूध इतना पिया गया हो कि हमें ये पता चलता है कि अल्फाज हैं कि पेट भर जाए और रगें तन जाए, पेट भर जाए और फिर वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाए और रगें तन जाए, तो फिर रजात साबित होती है। रजात से वही सात रिश्ते जो नसब से हराम है, वही सात रिश्ते रजात से भी उनकी हुरमत साबित है, और रजात के ये सातों रिश्ते भी अबदी तौर पर हराम है। यानी उन रिश्तों के साथ भी अंडर नो सेट ऑफ कंडीशंस नेवर एवर निकाह हो ही नहीं सकता कभी भी सारी जिंदगी। उसके बाद अगला एक तरीका कार जो है वो कौन से रिश्ते हैं, ससुराल से रिश्ते। ये जो आपने आखिरी हदीस में पढ़ा कि मना किया कि फूफी और खाला के साथ जो है वो बीवी की रिश्ते जो है उनके साथ निकाह करने से, तो लिहाजा ये ससुराल के साथ रिश्ते, यानी शोहर का बाप, शोहर का बेटा, ये शोहर का बाप और शोहर का बेटा, ये वो दो रिश्ते हैं जिनके साथ अबदी हुरमत है, और अपने ससुर और अपने सौतेले बेटे के साथ कभी भी जिंदगी के किसी हिस्से में, किसी मोड़ और हालात में इनके साथ निकाह नहीं हो सकता। लेकिन अगले पांच रिश्ते शोहर के बीवी के लिए और बीवी के शोहर के लिए, ये आरजी हुरमत है। शोहर का भाई, चाहे वो देवर है चाहे जेठ है, शोहर का चचा, मामू, भांजा और भतीजा, जितनी देर ये खातून उस शोहर के अकदे निकाम में रहती है या जिंदा रहती है, या वो फौत हो जाए, या वो शोहर फौत हो जाए, या वो इसको तलाक दे दे, तो बेवा हो जाने या मुतल्लिका हो जाने के बाद वो इन्हीं पांच रिश्तों के साथ निकाह अपनी इद्दत के बाद कर सकती है। तलाक की इद्दत के बाद या बेवगी की इद्दत कंप्लीट होने के बाद एक खातून अपने शोहर के भाई, उसके चचा, उसके मामू या भांजे और भतीजे के साथ निकाह कर सकती है। और इसी तरह एक शोहर अगर उसकी बीवी फौत हो जाए या उसकी बीवी को वो अपनी बीवी को वो तलाक दे दे, तो फिर वो उसी बीवी की बहन या खाला या फूफी या भांजी और भतीजी के साथ निकाह कर सकता है। हाँ, ये अलबत्ता हदीस के अल्फाज मौजूद हैं जो अभी आपने देखा कि फूफी और भतीजी और खाला और भांजी और दो बहनों को रिश्ताए अजवाज में बांधना हदीस ने मना कर दिया, क्योंकि ये एक हसद का, एक रकाबत का रिश्ता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ये नहीं चाहते कि दो बहनों को उस रकाबत वाले रिश्ते में बांध कर आपस में रहम के रिश्तों के अंदर कोई दड़ाड़ या किसी किस्म का कोई शिगाव पैदा हो जाए, उनको इस आजमाइश में नहीं डाला गया। कल ही आपने देखा था ना कि उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान भी वो सौकनापे का जलापा आ जाता था, तो इस फितरी से जज्बे में बहनों को, खाला, भांजी और फूफी और भतीजी को डालने से इज्तनाब और परहेज का मामला किया गया। तो ये वो सात रिश्ते हैं जो ससुराली सात रिश्ते हैं। ससुराली में से पहले दो वो अबदी हुरमत के रिश्ते हैं,
किसी हालत में उनके साथ कभी भी सारी जिंदगी निकाह नहीं हो सकता, लेकिन आखिरी पांच रिश्ते जो हैं वो सिर्फ उस वक्त तक हराम है जब तक उनके साथ निकाह का रिश्ता या जिंदगी का ताना बाना है, उसके बाद उन्हीं से निकाह का तसव्वुर है। तो गोया पर्दे के अहकामात इंशाल्लाह हम किताबुल लिबास में वजाहत से पढ़ेंगे। चूंकि इन पांच रिश्तों के साथ निकाह हो सकता है तो फितने का इम्कान है, लिहाजा इन रिश्तों के साथ एक खातून का शरई पर्दा और चेहरे के पर्दे का तसव्वुर बहर कैफ शरीयत के अहकामात के मुताबिक मौजूद है। बाब नंबर 9 मखसूस निकाह, अब यहां पर आगे बताए जाएंगे निकाह शगार। हदीस नंबर 1843 हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शिगार यानी निकाह वट्टा से मना फरमाया। निकाह शिगार या वट्टा का निकाह क्या है? आपने माशे में भी देख रखा होगा वट्टे सट्टे का निकाह या अदले बदले का निकाह, उसको अरबी में निकाह शिगार कहा जाता है। ये हर सिचुएशन में मना नहीं है, ये सिर्फ उस सिचुएशन में मना है कि जब शर्त के तौर पर यह किया जाए। मसलन अगर एक मर्द और औरत का आपस में निकाह है तो अगर ये किया जाए कि जो लड़की का भाई है वो लड़की का भाई उस लड़के की बहन के साथ निकाह मांगा जाए और ये कहा जाए कि हम अपनी बहन तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर देंगे या हम अपनी बहन को तुम्हारे घर में सिर्फ इस शर्त पर बसने देंगे या रहने देंगे अगर हमें उस मर्द की बीवी का रिश्ता दे दिया जाए। ये उस माशरे में है जहां पर रिश्तों में कोई तरद्दुद और रुकावट आती है तो फिर प्रेशराइज करने के लिए, धौंस देने के लिए, दूसरे खानदान का रिश्ता लेने के लिए अगर धौंस देकर वट्टे और बदले में रिश्ता लिया गया तो फिर उसकी मुमानियत है। लेकिन अगर आपस की म्यूचुअल रजामंदी के साथ सिर्फ उनको पसंद है, रगबत है, चाहत है और फिर ले लिया गया तो फिर इसमें मुमानियत नहीं है। शिगार सिर्फ अदले बदले के निकाह को नहीं कहते, शिगार उस अदले बदले को कहते हैं जो शर्त लगाकर धौंस में आके प्रेशराइज करके बदले में लिया जाता है, वो मना है। बहरहाल इसमें बहुत बड़ी हिकमत है कि अगर आप देखें कि इसमें प्रेशर करके वो धौंस से निकाह लिया गया है और वैसे भी ये वट्टे सट्टे के निकाह में मामला आपने बस औकात देखा जाएगा, देखा होगा कि अगर दो इसमें से एक पार्टी और एक फरीकैन जो है मियां बीवी की आपस में बदमजगी और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या होता है, वो उसकी रिप्रिकॉशंस और उसके असरात दूसरे जोड़े के ऊपर भी मुरतब होते हैं। यानी अगर एक मर्द अपनी बीवी को निकाल देता है और उसको मेके में भेज देता है तो फिर ये जिसको उसने तलाक दे दी है या उसको घर भेज दिया है उसके भाई को फिर गैरत आ जाती है। अगर उसको ना भी गैरत आए तो उसके घर वाले उसको गैरत, उसके मेके वाले उसको गैरत दिलाते हैं कि तू इतना बेगैरत है कि उसने तो तेरी बहन को निकाल दिया और तू उसकी बहन को लेकर आबाद करके खिला पिला और खुश रख रहे, तो वो गैरत या उसको आती है या घर वाले उसको गैरत दिलाते हैं या मुतल्लिका बहन उसको गैरत दिलाती है कि भेज दे तो भी उसकी बहन को वापस कि उनको भी वही जख्म लगे और फिर इस चक्कर की वजह से एक घर नहीं दो घर टूट जाते। हालांकि वो दूसरा जोड़ा आपस में खुश भी था, मुतमईन भी था, पुरसकून भी था, लेकिन एक जद में घराना एक आया तो इस हालत में मजबूरी की वजह से दूसरा घराना जो है वो भी जद में आ गया। तो इन हिकमतों की वजह से इसको मना किया गया है और ये वो है जो खालिसतन किसी शर्तें लगा के मामले पर किया जाता है, मना ही उसकी है। बाब नंबर 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में निकाह मुत्ता की से मना फरमाया। हदीस नंबर 1844 हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया हम एक लश्कर में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया तुम्हें मुत्ता करने की इजाजत है, अगर चाहो तो मुत्ता कर लो। ये हदीस में निकाह मुत्ता का तसव्वुर है। निकाह मुत्ता उस एक खास किस्म के निकाह को कहा जाता है कि जब दोनों फरीकैन यानी वो मर्द और औरत उनको आपस में एक जिस्मानी ख्वाहिश और रगबत तो हो लेकिन वो बाकायदा निकाह करके घर बसा के औलाद पैदा करके आपस में जिंदगी गुजारने और निभाने को तैयार नहीं है।
एक दूसरे के साथ मोहब्बत चाहत और रगबत और डिजायर तो है, लेकिन वो घर निभा के निजाम, अपनी जिंदगी का निजाम नहीं चलाना चाहते। और फिर साथ ही साथ कोई थोड़ा सा खौफ खुदा भी है, हलाल हराम की पहचान भी है, और वो जिनाकारी और बदकारी के मुर्तकिब भी नहीं होना चाहते। तो फिर बस नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला मिन ज़ालिक, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते हुए वो क्या करते हैं कि वो बदकारी से बचने की गरज से निकाह कर लेते हैं। लेकिन निकाह एक शर्त पर और एक मुआहदे पर करते हैं कि ये निकाह आरजी मुद्दत के लिए किया जाएगा। निकाह के वक्त ही उनका इरादा ये होता है कि ये निकाह आरजी है, 2 महीने 4 महीने हम रिश्ता इजवाज में बनते हैं, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं और फिर उसके बाद इस निकाह को खत्म कर देंगे। ये निकाह जो पहले किया ही इस मुआहदे और इस बैकग्राउंड में और इस पस मंजर में और इस इरादे के साथ दोनों के दरमियान किया जाता है, ये निकाह मुत्ता है। और इसमें मियाद का तायुन कर लिया जाता है और निभाने, घर निभाने की इरादा और नीयत नहीं होती। इसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कहा जाता है। निकाह मुत्ता हराम है। इस हदीस में जो निकाह मुत्ता की इजाजत दी जा रही है, ये एक इब्तदाई दौर की इजाजत थी। और इसका पस मंजर में यूं बता दूं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हदीस बयान की है कि जब हम गजवाए खैबर पर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम तशरीफ ले गए थे, तो ये बहुत तवील सफर था और वापसी तक अपनी अजवाज से बहुत दूर देर तक महरूम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवाए खैबर के मौके पर सहाबा इकराम को निकाह मुत्ता की इजाजत दी थी। लेकिन फिर हजरत अली फरमाते हैं कि मदीना आने के वापस आने के बाद जब वो अपनी अजवाज के पास वापस आ गए थे, तो आपने इस निकाह मुत्ता की इजाजत को मनसूख कर दिया था। फिर कुछ रवायात में यह भी पता चलता है कि फतेह मक्का के मौके पर भी 3 दिन के लिए निकाह मुत्ता की इजाजत दी गई थी। उसके बाद इसको फिर मनसूख कर दिया गया था। और उस मनसूख कर देने के बाद, यानी फतेह मक्का की इजाजत देने के बाद, अबदी तौर पर कयामत तक अब यह निकाह मुत्ता हराम है। जैसे कुरान की आयत में भी अकीदा नस्ख है कि बाद में आने वाली आयत जो है वो पहली आयत को मनसूख कर देती है, और हुक्म का जवाज जो है वो इब्तदाई आयत से नहीं, बाद वाली हतमी आयत से हम हुक्म का जवाज निकालते हैं। उसी तरह कुछ अहादीस भी बाद वाले आने वाली अहादीस और सुन्नत के वाकयात से मनसूख हैं। और अकीदा नस्ख के हवाले से इस हदीस, सही हदीस जो बुखारी में मौजूद है, उससे हम कहीं भी निकाह मुत्ता के हलाल और जायज होने का जवाज नहीं निकाल सकते। कुरान की आयात की रूह से भी उसकी हुर्मत साबित है और बाद वाली अहादीस की रूह से भी उसकी हुर्मत वाज़े तौर पर साबित है। बाब नंबर 11, औरत का किसी नेक शख्स से अपने निकाह की दरखास्त करना। हदीस नंबर 1845, हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश किया, तो एक शख्स ने आपसे अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मुझसे निकाह कर दीजिए। आपने पूछा, तेरे पास महर देने के लिए क्या चीज है? उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, कुछ तलाश करो, खा लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। चुनाचे वो गया, वापस आकर कहने लगा, अल्लाह की कसम, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लोहे की एक अंगूठी भी नहीं मिली, अलबत्ता ये तहबंद मेरे पास है, आधा इसको दे दें। हजरत सहल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके पास ऊपर ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं थी। आपने फरमाया, तू अपनी आजार को क्या करेगा? अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, और अगर वो इस्तेमाल करेगी तो तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं रहेगा। ये सुनकर वो बैठ गया। जब देर तक बैठा रहा तो मायूस होकर उठा और चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुझे कुरान की कौन कौन सी सूरतें याद हैं? उसने चंद सूरतों के नाम लेकर कहा, फला फला सूरत याद है। आपने फरमाया, हमने इन सूरतों की तालीम के इवज ये औरत तेरे निकाह में दे दी। हयाते तैयबा का मदनी दौर का एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक्या है। बहुत सी बातें और बहुत सी बातें अहकाम जो है वो वाज़े तौर पर समझ में आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि ये खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आप हिबा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये हिबा का तसव्वुर क्या है? हिबा का मतलब ये है कि एक औरत किसी शख्स के लिए अपने आप को निकाह के लिए पेश करे और कहे कि मैं हक महर नहीं लूंगी, यानी बगैर हक महर के लिए निकाह की पेशकश करना एक औरत का
गोया वो बगैर हक महर के अपने आप को उस मर्द के लिए गिफ्ट कर रही है निकाह के लिए। ये हिबा का तस्वुर सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयत की रूह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी इजाजत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, इसके अलावा और उम्मत में से किसी को ये इजाजत नहीं दी गई। अल्लाह ने इसका तस्करा कुरान में फरमाया खालिसतम मिन दूनिल मोमिलीन, कि ये हिबा की इजाजत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। और इस इजाजत के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा किया था और आपने उनकी पेशकश को कबूल फरमाया था। ये वाहिद ज़ौजा मोहतरमा है जिनसे आपने कुरान की इजाजत की रूह से, जो खालिसतन आपके लिए खास थी, उसकी रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया था बगैर हक महर की अदायगी के। तो गोया इसे एक बात समझ में आती है कि बाकी मुसलमान मर्दों के लिए हिबा का तसव्वुर नहीं है। और यह भी पता चल रहा है कि एक औरत खुद निकाह का पैगाम दे सकती है, यह भी शरीयत में जायज है। और वैसे भी अगर हम देखें तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो ज़ौजा अव्वल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, महबूब तरीन ज़ौजा मोहतरमा है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उन्होंने अपना तिजारती काफिला इनके हवाले किया था और अपने गुलाम को भी साथ तहकीक के लिए भेजा था, और वापस आने पर जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तिजारती काफिले पर बहुत सा नफा हुआ था तो उन्होंने उनकी सदाकत और अमानत की गवाही भी दी थी। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो मक्का की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, उन्होंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा था। वो तो अल्लाह सुभाना ताला ने हजरत खदीजा के दिल में डाला था ना, वजदा का आयलन फअग्ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली कफालत, आपकी सोशल, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी जो माली मुआवनत के लिए, आपकी पुश्तिबान बनाने के लिए एक इतनी मुतहम्मिल मिजाज, इतनी नेक, इतनी सवाले, इतनी साबिर, इतनी शाकिर खातून को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्टर बनाने के लिए अल्लाह ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में वो ख्याल डाला था। लेकिन वहां पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा था। तो एक खातून भी निकाह का पैगाम भेज सकती है। हमारे माशरे में तो लड़की वालों का लड़के वालों को निकाह का पैगाम भेजना इसका तस्वुर भी नहीं समझा जाता, बल्कि इसके बिल्कुल बरखिलाफ हमारे माशरे में तो वो तरीका कार है ना कि जब लड़के वाले आके रिश्ता मांगते हैं, लड़की का हाथ मांगते हैं, 100 कदरदानियों के साथ मांगते हैं, तो लड़के वाले जो है ना वो जवाब भी जरा आराम से, टाल मटोल से, अभी हम अपने भाइयों से मशवरा कर लें, अभी हम अपने भाई जेठों से मशवरा कर लें, जरा लटक मटक टाल मटोल करते हैं। और जान के हजार ख्वाहिश के बावजूद भी दिल में ख्वाहिश है, पसंद है, बहुत से रिश्ते नहीं भी हैं, लेकिन बस वो टाल मटोल करते हैं कि वो ये कहते कि हम अब इतने हल्के ही हो जाएं और हम इतनी जल्दी हां कर लें और इतनी जल्दी रिश्ता कबूल कर लें, और ये लड़के वाले समझेंगे कि हमारी बेटी तो पता नहीं शायद फारिग ही बैठी हुई थी और हमें तो कोई रिश्ता ही नहीं थे, हम तो बहुत ही खुश हो गए। तो वो जरा भारी होने के लिए, अपना वजन बढ़ाने के लिए, अपनी बेटी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए बेवजह का तरद्दुद और ताखीर और टाल मटोल किया जाता है। अल्लाह सुभाना ताला हमें मस्नूई जिंदगी से भी बचाए और हक सच पर जमने की तौफीक अता फरमाए। तो जहां लड़की वालों का ये तरीका है कि आए हुए रिश्ते पर तरद्दुद और ताखीर की जाती है तो काम भेजना, तो हम समझते हैं शायद हमारी बेटी की जिल्लत और रुसवाई हो जाएगी। तो बहरहाल ये दीन में जायज है और ये किया जा सकता है। अब जब इस खातून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात हिबा की, तो चूंकि वही के जरिए आपको हुक्म नहीं मिला था ना, आपके तो सारे के सारे निकाह अल्लाह की गाइडेंस और अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर थे, आपको हुक्म नहीं हुआ था, तो आपने उनके हिबा को कबूल नहीं किया। अब उसी महफिल में एक ऐसे सहाबी भी बैठे हुए थे कि जो उनके निकाह में कोई भी खातून नहीं थी। जाहिर है निकाह एक फितरी ख्वाहिश है, निकाह जो है वो एक जिस्मानी ख्वाहिश है और जिस्मानी अजवाजी ताल्लुक जो है वो जिस्मानी ख्वाहिशात फिजिकल रिक्वायरमेंट की तस्कीन का जरिया है। तो इन्होंने देखा कि ये खातून को निकाह का की ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा कि मेरा निकाह करवा दीजिए। अब जब इन्होंने निकाह का कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सबसे पहले क्या कहा, हक महर के बारे में सवाल किया, क्योंकि हक महर क्या है, ये शराइत निकाह में से हक के महर की अदायगी। वह आतू हुन्ना, तुम उनको दे दिया करो महर उनके, कैसे खुशी खुशी उनके महर उनको दे दिया करो। हक के महर हुक्म खुदावंदी है,
हुक्म खुदावंदी है, फरीजा दीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। आपने सिर्फ हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा बाकी तमाम अजवाज मुताहिरात को हक महर दिया, तो हुक्म खुदावंदी फरीजा दीन है, सुन्नत मुअक्कदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपने हक महर के लिए फरमाया। यहां पर आप ताकीद फरमा रहे हैं और उधर हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि जो शख्स हक महर ना देने की नीयत से मुकर्रर करे वो कयामत के दिन जानियों की तरह अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि जो शख्स हक महर उड़ा लेने की नीयत से मुकर्रर करे वो कयामत के दिन अल्लाह के हजूर जानियों की सफ में शामिल किया जाएगा। तो बहुत दफा हक महर लड़की वाले जब मुतालिबा करते हैं और ज्यादा सा मुतालिबा करते हैं तो वो बेटा बड़े फख्र से बाप को कहते हैं, अब्बा तुम मुकर्रर कर लो मैंने कौन सा देना है, ये क्या है, ये क्या है, ये बिल्कुल इस हदीस का पैमाना है। या फिर ये निकाह करते वक्त ढेर सा हक महर जो है वो रिश्ता लेने के लिए मुकर्रर तो कर दिया जाता है लेकिन पहले ही इरादा होता है और वो आते सारी वो रुख्सत होके आती है, बस कनपट्टी पर पिस्तौल नहीं रखते, बाकी सब कुछ ही करते हैं, माफ कर दो। अब वो इतने प्रेशर में है, अभी उसकी कदम ही यहां पे नहीं टिके, उसको समझ ही नहीं आ रही कौन सा माहौल है, कौन से रिश्तेदार है, मैं कहां आ गई हूं, बस उसी वक्त उसे माफ करवा लेते। तो ये उड़ा लेने की नीयत से जो मुकर्रर किया गया ये क्या है, ये जानियों के सफ में शामिल होने वाला अमल है। और हक महर को रखा बुनियादी तौर पर इसलिए गया है कि डे वन से उस मर्द से कुछ ना कुछ माली तौर पर इसको दिलवा दिया जाए ताकि डे वन से उसकी तरबियत हो जाए कि इसका नान नफका, इसकी इकोनॉमिक माशी कफालत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए ये हक महर जो है वो रख दिया गया। और हक महर के हवाले से मैं ये भी बताती चलूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तो आपने हजरत आयशा और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से पता चलता है उनको 500 दिरहम हक महर मिलने का कुछ तज़किरा किताबों में है, लेकिन अक्सर मस्नून हक महर जो है वो 12.5 ओकिया चांदी लगभग बताया गया है। और 12.5 ओकिया चांदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशी और इकोनॉमिक स्टेटस के मुताबिक देखें कि जब आपके काशाने में रात को चिराग नहीं जलता था और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने भांजे हजरत उरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला को बताती हुई नजर आती हैं कि भांजे एक चांद दूसरा चांद तीसरा चांद आता था और हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाला आप क्या खाती थी, हाँ वो काली चीज और पानी यानी खजूरें और पानी, इल्ला ये कि हमसायों के घर से कुछ बकरी का दूध आ जाता था। तो ये इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था, खुद साख्ता फकर है में कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये माशी स्टेटस के बावजूद 12.5 ओकिया चांदी। सो हक महर जो फरीजा दीन है वो इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी और माली इस्तेतात उस लड़के की। हां लड़की वाले भी उस पर बेजा का बोझ नहीं डालेंगे कि जी आप तो हमारी बेटी के लिए इतना ज्यादा हक महर मुकर्रर करेंगे तो ही हम रिश्ता देंगे, तो गोया वो भी नहीं किया जाएगा, उसके लड़के के ताकत से ज्यादा उसकी जेब से ज्यादा भी बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन लड़का भी अपनी माली इस्तेतात और शान के मुताबिक उसको हक महर देगा। तो ये हक महर का हुक्म जो बस औकात वो कहते हैं ना कि 32 रुपए कुछ आने बनाया जाता है, ऐसा कोई मसनून हक महर नहीं है, ये माली इस्तेतात के मुताबिक है। और 32 रुपए का तसव्वुर वो बादशाह जहांगीर के दौर में, मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में जो 12.5 ओकिया चांदी है उसको जब कन्वर्ट किया गया था तो उस दौर में वो कन्वर्शन करेंसी के हिसाब से 32 रुपए, और हम वो ही पुरानी चीज जो है वो लेकर चल रहे हैं, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। और ये खातून का हक है, बहरहाल इसको मुअज्जल और गैर मुअज्जल भी किया जा सकता है और इसको माफ करने का भी तसव्वुर है। अल्लाह ने कहा है ना कि अगर वो तुम्हें माफ कर दें फकुलूहु हनी या फिर उसको मजे मजे लेकर खाया करो, लेकिन माफ करना भी किसी प्रेशर और धौंस के साथ उसका तसव्वुर नहीं है, वो अपनी मर्जी और अपनी रजा और रगबत के साथ माफ कर सकती है। तो हक महर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ नहीं ना तो लोहे की अंगूठी ले आओ। तो गोया ये भी मैं आपको बता दूं कि हक महर डजंट नेसेसरीली हैव टू बी कैश, जरूरी नहीं है कि माल और नकदी की शक्ल में हो, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ काइंड ऑल्सो। वो जो जेवरात हम तलाई जेवरात अपनी बहुओं को पहनाते हैं वो भी हक महर हो सकता है। और मैं आपको बताऊं ये प्रैक्टिकली बल्कि शायद आज के दौर में सबसे आसान तरीका है। आज हमारी शादी ब्याहों पे इतने खराजात फजूल होते हैं, आगे बात करती हूं, लेकिन ये कि वो इतने खराजात के चक्कर में और वो बरी बनाने और वलीमे करने के चक्कर में लड़के वालों का सारा माल तो उधर लग जाता है और जो असल फरीजा दीन हक महर की अदायगी है उसके लिए कैश रह ही नहीं जाता। तो फिर ऐसे हालात में वो जेवर जो उस बच्ची को पहनाया जा रहा है उसको हक महर बना दीजिए ताकि उसको भी उसकी चीज मिल जाए
और उसको हक महर भी अदा हो जाए, हुक्म खुदाबंदी और फरीजा दीन भी पूरा हो जाए और आसन तरीके से शायान शान भी पूरा हो जाए, हमारी माली इस्तात के मुताबिक भी पूरा हो जाए, और फिर ये कि उस वक्त वो सारा कुछ करने वालों को कोई एक्स्ट्रा माली बोझ भी ना हो जाए। तो लिहाजा ये भी किया जा सकता है। और ये अगर लड़के वाले ये मामला कहें कि जो हम जेवर देंगे 15-20 तोले जितना वही हमारा हक महर होगा, तो लड़की वालों को भी तरद्दुद का शिकार नहीं होना चाहिए। उस दिन मुझे एक बहुत पढ़ी लिखी अपनी डॉक्टर एक गुलीग बहन का फोन आया कि जी मैंने आपसे मशवरा करना है और लड़की मैंने बेटी का रिश्ता की और वो लड़के वालों ने तो अजीब सी बात की है, हमारे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि हमने तो जेवर को हक महर बनाना है, तो मुझे बताएं जेवर तो जेवर होता है, वो तो बच्ची का वैसे हक होता है और वो तो उन्होंने देना ही होता है, तो अब हक महर को वो इसी में गोल कर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि अगर उनकी माली इस्तेदाद नहीं है, उनको मुश्किल है, रिश्ता लड़का अच्छा खाता पीता पढ़ा लिखा नेक दीनदार है, तो आपने 4% अलग से लेकर क्या करना है, इसको हक महर बना दीजिए। तो कुछ देर तो उनको तरद्दुद था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी बात, तो आई हैड टू कन्विंस। तो अगर लड़के वाले उस जेवर को भी हक महर बनाने की दरखास्त करते हैं तो उसको अगर कर लिया जाएगा तो इसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन फिर ये याद रखिए, अगर उस जेवर को हक महर बना दिया जाएगा तो फिर वो जेवर उस बच्ची की मलकियत होगा, उसके पास पहनने ओढ़ने लेने देने उसको इस्तेमाल करने उसको खरीदने बेचने का इख्तियार फिर खालिसतन उसके पास होगा। ये नहीं हो सकेगा कि पहले उसको हक महर बना के दे भी दिया और फिर सास ने कहा कि ये रहेगा भी मेरे पास और इसको खरीदू बेचूंगी भी मैं और ये है कोई नहीं तेरा, ये है बेसिकली मेरा और अगली बहू को भी मैं यही पहनाऊंगी और हमें ऐसे ही सारों को उधार चलाती रहूंगी, ऐसे नहीं होगा। फिर ये उसी की मलकियत बनाकर दिया और उसी के हवाले किया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोहे की अंगूठी भी है ना तो भी तुम क्या करो, तो भी तुम ले आओ, वही तुम्हारा हक महर हो जाएगा। सो इट कैन बी इन एनी फॉर्म। और मदीना का बेहतरीन हक महर जो था, मदीना में जो सहाबा फरमाते थे ना कि जिस सहाबिया ने बेहतरीन हक महर लिया था वो हज़रत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये जब इनकी बेवा हुई, इनके पिछले शोहर फौत हुए, तो हज़रत अबू तलहा अपना वाकया बयान करते हैं, कहते हैं कि वो खूबसूरत भी थी, मालदार भी थी और मुझे पसंद भी थी। इनकी इद्दत पूरी हुई तो मैंने निकाह का पैगाम दिया, तो वो मुसलमान थी और ये भी मुशरिक थे, तो हज़रत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार कर दिया कि मेरा और तुम्हारा सर जमा नहीं हो सकता, मैं तौहीद परस्त हूँ और तुम बुत परस्त हो, मुशरिक हो, हमारा निकाह नहीं हो सकता। तो कहते हैं मैंने झट से ये कह दिया कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो फिर तुम मुझसे निकाह कर लोगी। तो उन्होंने कहा कि हां, अगर मुझे हक महर में, अगर मुझे हक महर में तुम कबूले इस्लाम का तोहफा दो तो फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगी। तो लिहाजा इनका हक महर कबूले इस्लाम हो गया। अल्लाह सुबहाना ताला हमें ये वाकयात सीखने और इनको अपनी जिंदगी के पैमाने बनाने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोहे की अंगूठी भी है ना और कुछ भी नहीं है, तुम्हारा घर खाली है, फिर भी ले आओ, क्या बात पता चल रही है। और उन्होंने कहा कि मेरा ये तयबंद है, ये ले ले, मतलब इतना फकीर, इतना मुफलिस, इतना खाली हाथ वो निकाह की ख्वाहिश कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे माशरे में अगर कोई शख्स बच्चा हल्का सा कमाने में अभी थोड़ा हो तो लोग कहते हैं लो अभी अपने पांव पे तो खड़ा नहीं हुआ, अभी अपना खर्चा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कहा बीवी इसको ब्याह दे, ये कैसे खर्चा पूरा करेगा, हुश हुश इसका कोई निकाह नहीं करना। अब यहां पर देखें आप, इतना फकीर, इतना मुफलिस के घर में एक लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कोई चादर भी ऊपर नहीं है, बस सिर्फ एक तयबंद है। आपने ये नहीं कहा तू इतना फकीर है, तू इतना मुफलिस है, तू कहां से निकाह करेगा और तुझे क्या निकाह की पड़ी है और तू कैसे बीवी को खिलाए पिलाएगा। मतलब इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, वो जिस्मानी ख्वाहिश है, अगर उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हुई तो वो बदकारी और जिनाकारी का मुर्तकिब होगा। निकाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसीलिए एक उसके पास माल नहीं है, ऊपर उसके पास ईमान भी ना रहा तो फिर क्या करेगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अगर वो माली तंगी का भी शिकार है तो भी क्या करेगा, अल्लाह युग्नी हुमुल्ला, अल्लाह उनको गनी कर देगा। हमें लग रहा होता है कि ये माली तंगदस्ती का शिकार है, और हदीस देख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने तीन लोगों की मदद का जिम्मा लिया है, अल्लाह ने तीन लोगों की मदद का जिम्मा ले लिया। ये तीन लोग कौन से हैं, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, दूसरा आजादी के लिए मकातिबत करने वाला गुलाम, और तीसरा बदकारी से बचने के लिए निकाह करने वाला नौजवान। यानी अगर उसके पास माल नहीं भी है ना
वो माली इस्तेदाद नहीं भी रखता, लेकिन वो सिर्फ निकाह इसलिए कर रहा है कि अगर निकाह नहीं करेगा तो कहीं बदकारी का मुर्तकिब हो जाएगा। तो ऐसे हया पर जमने वाला और ऐसे बदकारी से खौफ जदा होने वाले की फिर मदद का जिम्मा अल्लाह ले लेता है। कुरान में अल्लाह ने वादा कर दिया, हदीस में वादा कर लिया कि असादिक अलमीन के अल्फाज और बातों पर यकीन नहीं है, ईमान नहीं है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, राजिक वो है। और वैसे भी अगर वो बहू आ भी जाएगी, वो बीवी आ भी जाएगी तो क्या करेगी, दो टाइम दो रोटियां ही खाएगी ना, वो जो खुद खा रहे हो वो दो लुकमे उसको भी खिला देना। लेकिन असल बात यह ना, हमारे माशे का आवे का आवाई बिगड़ गया, आने वाली रोटी नहीं ना खाती, सिर्फ आने वाली ने दो रोटियां नहीं खानी है कि उसको ले आएंगे, उसने तो डिजाइनर जोड़े भी पहन रहे हैं, उसने तो लेटेस्ट मॉडल का ब्रांड का मोबाइल भी लेना है, उसने डायमंड भी पहनने, उसने सॉलिटेयर भी मांगने हैं, उसने और 100 चीजें मांगनी है। तो लिहाजा इसलिए फिर मामलात मुश्किल हो जाते हैं ना, उधर तवक्कुल और कनात और सादगी उधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, और फिर इसीलिए जो है वो माशरे के अंदर मसाइल और तरद्दुद मुश्किलात आती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिसके पास अंगूठी नहीं थी और वो निकाह के लिए अपना तेबन देने को तैयार था उसके साथ, और फिर ये कि हया का मामला, लिबास का मामला, सातिर लिबास का मामला, आपने फरमाया कुछ भी नहीं है ना, तो फिर कुरान की आयात तो सूरतें तो आती हैं ना। उस खातून से एक और हदीस में आता है, उस खातून से ये वादा लिया गया कि अगर ये तुझे सूरतें सिखा देगा या आयात सिखा और पढ़ा देगा तो निकाह कर लेगी, इसको हक महर बना लेगी। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया और निकाह हो गया। सो हक महर फरीजा दीन तो है, शरायत निकाह में से एक तो है, लेकिन ये कि इट कैन, इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी इन कैश, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ काइंड आल्सो। बाब नंबर 12, औरत को निकाह से पहले देख लेने का बयान। हदीस नंबर 1846, हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जनाब को अपना नफ्स हिबा करने आई हूँ। उसने ऊपर तले, आपने ऊपर तले उस औरत को खूब देखा, फिर आपने अपना सर झुका लिया। रावी ने पूरी हदीस 1845 जो पीछे हमने पढ़ी है बयान की, जिसके आखिर में है, तुझे ये सूरतें जबानी याद हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया जा, मैंने ये औरत इन्हीं सूरतों के इवज तेरे निकाह में दे दी। शरायत निकाह, यहां पर भी एक अगली शर्त जो है वो बयान की जा रही है, औरत को देख लेने की इजाजत यानी पसंद के लिए। शरायत निकाह की फहरिस्त अगर आप बना लीजिए, फरीकैन की रजामंदी, इजाबो कबूल, वो जो पूछा जाता है ना कि कबूल है, राजी है वो, उसके बाद वली की रजामंदी, गवाहों की मौजूदगी, खुतबाए निकाह, उसके बाद हक्के महर और वलीमा। तो ये शरायत है निकाह की, इन सारी शरायत को पूरा करना निकाह की तकमील के लिए जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो शख्स क्या नहीं करता, हक महर नहीं देता, वो क्या है, वो क्यामत के दिन जानियों की सफ में शामिल किया जाएगा, क्योंकि हक महर क्या है, ये शरायत निकाह में से एक शर्त है। अब यहां पर दूसरी शर्त जो पता चल रही है इस हदीस की रूह से, लड़की को यानी होने वाली बीवी को देख लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर देखा, और गोया देखना क्या है, पसंद के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निकाह इसलिए नहीं किया था और देखने के बाद सर झुका लिया था, क्योंकि वही का कोई हुक्म ही नहीं आया था, अल्लाह की कोई हुक्म और रहनुमाई नहीं आई थी, तो गोया आपने निकाह को इख्तियार नहीं किया था। और यहां पर पसंद का तसव्वुर समझ में आ रहा है। फरीकैन की रजामंदी तभी मुमकिन है जब दोनों को पसंद का तसव्वुर होगा। अल्लाह ने सूरह निसा में भी फरमाया कि तुम 1, 2 और 4 से निकाह कर लो, मा तौबा लकुम मिनन निसाई, जो तुम्हें अच्छी लगे औरतों में से। तो गोया कुरान की सूरह निसा की उस आयत की रूह से भी पसंद का ख्याल, अच्छे या बुरे लगने की इजाजत का तसव्वुर मौजूद है, और हयात तैयबा का ये वाकया भी मौजूद है। फिर और वाकया भी है, सहाबा इकराम में से किसी ने निकाह का इरादा किया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिशावरत की कि मैं फलां औरत से निकाह करना चाहता हूं, तो आपने फरमाया क्या तुमने उसे देखा है, तो उसने कहा कि नहीं। आपने फरमाया तुम बेहतर है कि तुम उसे देख लो, क्योंकि आपने फरमाया कि बाज अंसारी औरतों की आंखों में कुछ खलल होता है। तो
इसे ये भी बात पता चल रही है कि अगर कोई शख्स निकाह के पैगाम के हवाले से पूछे कि किसी को निकाह का पैगाम दिया और मशवरा करे कि क्या मेरे लिए बेहतर है, तो अगर उसका कोई नुक्स या कोई ऐब वगैरह पता हो तो उसको बता देना उसकी रहनुमाई के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए, ताकि उसको पता चल जाए और बाद में मुआफ़कत और मिसअंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में खराबी या बाहमी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको बता देना ये गीबत नहीं होगी, ये आपस में कोई बोहतान नहीं होगा और ये कोई बदअखलाकी नहीं होगी। आप उसको नशर नहीं कर रहे, तशहीर नहीं कर रहे, लेकिन उसके ऐप पर पर्दा डाल के सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आपस में किसी किस्म की बदगुमानी ना हो लाइल्मी और कम हकीकत को जानने की बुनियाद पर। तो आपने फरमाया कि उनको देख लो उनकी आंखों में कुछ ऐब होता है, गोया ये भी पता चल गया कि देखना निकाह से पहले पसंद की इजाजत भी मौजूद है, बाहमी रजामंदी भी शरायत निकाह में से और देख लेने की भी इजाजत है। और ये जो देखने का हुक्म दिया जा रहा है इससे भी एक और बात पता चलती है कि उस माशरे में फिर औरतें खुल्लम खुल्ले चेहरे के साथ नहीं फिरती थी, और जब देखना होता था तो वो स्पेसिफिकली, वरना तो अगर खुले चेहरे के साथ फिर रही होती तो फिर तो ऑटोमेटिकली सभी ने सबको देखा होता था। तो जब उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा, तो पर्दा नशीन बाहया खवातीन थी जिनको मर्दों ने नॉर्मली नहीं देखा होता था, और जब रिश्ते का इम्कान होता था तो तब देखने का, रिश्ते का फैसला होता था तो तब देखने का मामला इख्तियार करने की ताकीद की जाती थी। क्योंकि अगर पहले देख लिया जाए ना तो फिर यह होता है किसी के अंदर कोई ऐब है, कोई ऐसी चीज है जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, तो वो उसी वक्त उसको अवॉइड कर ले, बजाय इसके कि वो चीज बाद में पता चले और वो बाद में काबिले कबूल ही ना हो तो फिर बंधन में बंध गए, तो फिर वो एक कॉन्टिन्यूसली दराड़ और एक डिसलाइक की वजह बनती और वो डिसकंटेंटेड होने की वजह भी बन जाती है। तो ये फरीकैन की रजामंदी और इजाबो कबूल का तस्वुर बुनियादी तौर पर इसी हवाले से है। लेकिन पसंद के हवाले से जो शाइस्ता और बाहया और शरीफाना तरीका एक मुसलमान माशरे में है, वो पसंद का मतलब ये नहीं है कि वो लड़का लड़की घूमते फिरते रहें और वो अपनी सोबत में रहें और खूब एक दूसरे के साथ गपशप और इंटरेक्शन हो और अंडरस्टैंडिंग के लिए मुलाकातें हों और चेमगोइयां हों और फिर उसके बाद पसंद ना आए तो किसी और को पसंद का तरीका इख्तियार करने की कोशिश की जाए। नहीं, दोनों घराने वाले शाइस्तगी और हया के दायरे का तरीका क्या है कि दोनों घराने वाले आपस में मिलते हैं, उनको लगता है कि हमारे घरानों कुफ और बराबरी है, हमारी तरजीहात और पैमाने और प्रेफरेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। फिर लड़की के जो बाप और भाई वगैरह हैं वो लड़के को देख लेते हैं और लड़के की माएं बहनें जो हैं वो उसको लड़की को देख लेती हैं, और जब सब कुछ सेटल्ड और सूटेबल और अप्रोप्रिएट और काबिले कबूल लगता है और लगता है कि सब कुफ और बराबरी और सूटेबल है, तो फिर उन दोनों फरीकैन को आपस में अकेले में नहीं, क्योंकि तन्हाई में तो ना महरम के साथ मिलने का तसव्वुर नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है ना कि जेठ भी मौत है, कि तन्हाई में तो एक खातून अपने देवर या जेठ से भी नहीं मिल सकती। कल ही हमने देखा था ना कि शैतान जो है वो तो इंसान के खून में गर्दिश कर रहा है, और हदीस में आता है कि जब दो नामहरम इकट्ठे होते हैं तन्हाई में तो तीसरा शैतान होता है, तो तन्हाई में मिलने का तसव्वुर नहीं है। हाँ, अपने घर वालों के सामने वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे, थोड़ा बहुत पहचानेंगे और फिर उसके बाद अपनी पसंद और अपनी राय का इजहार कर देंगे, तो ये शराफत का तकाजा है और यही पसंद का बेहतरीन तरीका है जो शरीयत जिसकी लचक और छूट हया के दायरे के अंदर देती है। उसके बाद अब अगली शर्त, बाब नंबर 13, जो कहते हैं कि निकाह वली के बगैर नहीं होता। हदीस नंबर 1847, हजरत मुअक्किल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी बहन की शादी, इनका नाम जमीला है, अपनी बहन की शादी एक शख्स से कर दी, उसका नाम आसिम बिन अदी बताया गया, फिर उसने उसे तलाक दे दी। जब उसकी इद्दत पूरी हो गई तो उसने दोबारा निकाह का पैगाम भेजा, मैंने उसे जवाब दिया, मैंने अपनी बहन की तुझसे शादी की और तेरी बीवी बनाकर तेरी ताजीम की, मगर तूने उसे तलाक दे दी, अल्लाह की कसम अब वो दोबारा तुझे नहीं मिल सकती। हालांकि इस शख्स में कोई ऐब नहीं था और मेरी हमेशीरा भी चाहती थी कि उसकी बीवी बन जाए। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी कि तुम औरतों पर अपने पहले खामदों से निकाह पर पाबंदी ना लगाओ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं इस हुक्म की जरूर तामील करूंगा। फिर उसने अपनी बहन का निकाह उससे करवा दिया। इंशाल्लाह किताबु तलाक में भी, जो हम इंशाल्लाह जल्द पढ़ने वाले हैं, उसमें भी ये वाकया जो है वो तस्करा आएगा और इसको मैं कोट करूंगी। यहां पर इस वाक्य को पढ़ने के बाद ये वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि सहाबा इकराम का ये रवैया कि जब जहां जो कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी फिर वो उसको अंधे बहरे होकर नहीं गिरते थे, उसको रिस्पॉन्ड करते थे, रिएक्ट करते थे और उस पर अपना मुहासबा करते थे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जब
एक तलाक दे दी थी, वो शौहर ने बीबी को तलाक दे दी थी और पहली तलाक थी और इद्दत में रजू नहीं किया था और अलहदगी होके वो अपने भाई के घर आ गई थी, तो पहली तलाक के बाद क्या है, ये तलाक रजई होती है, अगर रजू ना करें तो उसके बाद तजदीद निकाह का गुंजाइश मौजूद होती है। तो जब अलहदगी हुई और मामला डिवेलप किए तो गुज़श्ता शौहर की ये ख्वाहिश हुई कि अब हम घर फिर से वापस बसा लें और हम तजदीद निकाह कर लें। तो जब उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा, हालांकि बहन जमीला का भी ये ख्वाहिश थी, उनके शोहर आसिम की भी ये ख्वाहिश थी कि निकाह हो जाए, लेकिन भाई ने अपनी अना का मामला बना लिया, जो अक्सर हमारे माशरे में भी हो जाता है, और उसने निकाह का इनकार किया। तो जब आयत नाजिल हुई तो उन्होंने मुहासबा किया तो बहन का निकाह उससे कर दिया। लेकिन ये यहां पर इमाम बुखारी ने इसलिए रखी है कि ये साबित कर दिया जाए कि जमीला के वली उनके भाई मुअक्कल बिन यसार थे। वली की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं हो सकता, कंवारी का भी और निकाह दीदा का भी और तजदीद निकाह भी वली की रजामंदी से ही होगा, इसलिए इस हदीस को यहां पर इस किताब में रखा गया। और वैसे भी वली की रजामंदी के हवाले से अल्लाह सुबहान ताला ने कुरान में भी वो आयत वाज़े तौर पर सूरह बकरा में फरमाई है ना, अल्लाह ने फरमाया वला तन के हुल मुशिकाति हत्ता युमिन, वला तन के हुल मुशिकाति हत्ता युमिन, वला आमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशिका वलौ अअजबतकुम, वला तुन के हुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनु, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम। अल्लाह ने फरमाया कि तुम मोमिन मर्दो, तुम क्या करो, तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करना यहां तक कि वो ईमान ले आए, क्योंकि एक मोमिन लौंडी जो है वो मुशरिक औरत से बेहतर है, चाहे वो मुशरिक औरत तुम्हें कितनी पसंद हो। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि अपनी औरतों के निकाह भी मुशरिक मर्दों से ना करवाना, और एक मुसलमान गुलाम जो है एक मर्द से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें मुशरिक मर्द कितना क्यों ना ज्यादा पसंद हो। तो एक बात तो ये समझ में आ रही है कि निकाह के हवाले से मुसलमान मर्दों को भी और औरतों को भी मुशरिकीन के साथ, काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ निकाह करने की पाबंदी है सूरह बकरा की उस आयत की रूह से। हाँ, हमें यह पता चलता है कि मुसलमान मर्दों के लिए किताबिया औरत यानी यहूद और ईसाइयों की औरतों के साथ मजबूरी के तहत मुसलमान मर्द कुरान की आयत की रूह से निकाह कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने ईमान और अपनी औलादों के ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर उनको कोई मुसलमान औरतें मुयसर हैं तो फिर उन मुसलमान औरतों को छोड़कर अहले किताब की औरत के साथ निकाह करना तरजीहन पसंदीदा नहीं है। लेकिन बहर कैफ मुसलमान औरतें किताबी मर्दों के साथ यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ निकाह नहीं कर सकती, सिर्फ मुसलमान मर्द। जाहिर है क्योंकि मर्द कवाम है ना, और वो कवाम है, वो घर का निजाम चलाएगा, वो घर का सिस्टम करेगा, वो घर का पेस, घर के रिलीजन का एनवायरमेंट सेट करेगा। लेकिन खातून तो उस कवाम की मातहत है, अगर वो यहूदी कवाम की मातहत हो गई या ईसाई कवाम की मातहत होगी तो उसका दीन ईमान इस्लाम बिगड़ जाएगा, उसकी औलादों का भी दीन इस्लाम ईमान बिगड़ जाएगा। तो इसलिए औरतों को किताबी मर्दों के साथ निकाह की इजाजत नहीं है, और मुसलमान औरत किताबी मर्द के साथ उसका निकाह हराम है, जायज और हलाल नहीं है। लेकिन मुसलमान मर्द जो है वो मजबूरी की हालत में किताबी औरत के साथ निकाह कर सकता है। अब ये जो आयत सूरह बकरा में आई है वला तन की हु के मुसलमान मर्दों तुम औरतों मुश्रिक औरतों से ना निकाह करो, और औरतों के लिए हुक्म दिया गया मर्दों को वला तुन की हु, मर्दों को है कि तुम ना निकाह करो और औरतों के लिए कि तुम ना निकाह करवाओ। तो ये जो जबर और जेर की फर्क है उसके साथ मुफस्सरीन बताते हैं कि मुसलमान मर्द खुद से खुद अपना निकाह का फैसला और इख्तियार रखते हैं। मुसलमान मर्द के पास अपने निकाह के फैसले का इख्तियार और मजाज और इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन है, लेकिन मुसलमान औरत कुरान की सूरह बकरा की इस आयत की रूह से वला तुन की हु की रूह से एक मुसलमान औरत खुद से खुद अपना निकाह करने का इख्तियार और फैसले का मजाज नहीं रखती। वो किस पर डिपेंडेंट है, वो वली पर डिपेंडेंट है। वली कौन होता है, जो करीब तरीन मर्द रिश्तेदार है वो वली होता है, बाप होता है, यहां पर भाई वली नजर आ रहा है, दादा है, चचा है, जो भी करीब तरीन मर्द रिश्तेदार है उसको वली कहा जाता है। सही हदीस के अल्फाज है ला निकाहा इल्ला बी वली, वली की रजामंदी के बगैर निकाह निकाह नहीं है। सही हदीस मुबारका में फरमाया गया ला निकाहा इल्ला बी वली,
कि वली की रजामंदी के बगैर निकाह निकाह नहीं है। अगर वली राजी नहीं है, वली खुश नहीं है, वली इजाजत नहीं देता, वली परमिट नहीं करता, तो वो निकाह निकाह ही नहीं है। और अगर वो निकाह निकाह नहीं है तो उसके बाद कायम करने वाला ताल्लुक क्या है? वो जायज और हलाल नहीं है, वो जिना है। इस रूह से मैं आपको वाज़े तौर पर यह बताती चली जाऊं कि जो आज हमारे माशरे के अंदर वो जो कोर्ट मैरिज का तस्वीर जिसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लीगल कवानीन के मुताबिक जायज और हलाल करार दिया गया कि एक लड़की और लड़का जो है वो कोर्ट में जाते हैं और काजी उनका निकाह पढ़ा देते हैं और उनका वली राजी नहीं होता, लड़की घर से भाग के निकाह करती है काजी की रजामंदी से, ये कोर्ट मैरिज शरई तौर पर हलाल और जायज नहीं है और ये निकाह जायज नहीं है। जब ये निकाह निकाह नहीं है तो इसके ताल्लुक कायम होने वाला जिना है। और हमारे माशरे की वो नाम निहाद विमेन लिबरेशन के नारे लगाने वाली एनजीओज और विमेन एक्टिविस्ट इस निकाह को हलाल कहती हैं और ऐसी घर से भागी हुई औरतों के लिए जो है वो साहिबान और उनके लिए इदारे प्रोवाइड करती हैं और इनके केस लड़ती हैं। शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक है, ये शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक है। कोर्ट मैरिज शरई तौर पर हलाल और जायज नहीं है, वो निकाह निकाह नहीं है, वो ताल्लुक जिना का ताल्लुक है। अल्लाह सुबहाना ताला ने औरत के लिए बड़ी आसानी और सहूलत का मामला किया है। औरत जिस्मानी, आसाबी, माशी, समाजी हर तरीके से औरत कमजोर है, उसको सहारा जरूरत है, उसको पुश्तिबान की जरूरत है। वो औरत जो अपने घर से निकल के तन्हाई में निकाह करती है, वो अपनी वली की रजामंदी के बगैर निकाह करती है, वो तो ऐसे है कि जैसे जड़ से उखड़ी हुई बेल है, उसका तो कोई पुश्तिबान ही नहीं है, उसकी तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो उसको अल्लाह ने औरत की हिफाजत के लिए उसकी वली की रजामंदी को जरूरत किया। तुम इतनी बेवकूफ और अहमक हो गई हो, अपनी जवानी के रौ में इतनी बह गई हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, और तुम्हारी आंखें बंद और तुम्हारा दिमाग अंधा हो गया कि तुम इसकी मोहब्बत में कोर्ट मैरिज करने के लिए चलियो। तुम अहमक, तुम्हें नहीं पता तुम्हें वली की पुश्तबानी की जरूरत है। आज हमारे माशरे में वो घर से भागी हुई वली की रजामंदी के बगैर निकाह करने वाली बच्ची का हाल क्या होता है? उसको तो एक टिश्यू पेपर की तरह डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है इस्तेमाल करने के बाद, और फिर वो दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। अल्लाह ने उसको इस एक्सपोजर और इस मुसीबत से बचाने के लिए उसकी वली की रजामंदी को उसके निकाह की शराइत में से रखा है। बाप और भाई तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा छत है। अरे मेके की सपोर्ट से महरूम ना कर लो अपने आप को। तुम कमजोर हो, तुम्हें सहारों की जरूरत है, तुम्हें अपने पीछे की सपोर्ट की भी जरूरत है। क्यों रोती हैं बेटियां जब बाप फौत हो जाता है? क्यों तड़पती हैं बेटियां जब भाई फौत हो जाता है? क्योंकि उनकी छत, उनका सहारा खत्म हो जाता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने इस वली को उनका पुश्तिबान बनाया और उसकी रजामंदी को उनकी शरायत की निकाह में से एक शर्त बना दी। हाँ, अलबत्ता अल्लाह सुबहाना ताला भी, आप आगे जाके पढ़ेंगे, अल्लाह सुबहाना ताला ने वली को भी, क्योंकि अल्लाह दोनों पार्टीज को तरीके बताते हैं, अल्लाह ने वली को भी तरीका सिखाया है कि अगर वली की रजामंदी को शरायत निकाह में से शर्त रखा गया तो वली को भी पाबंद किया गया कि वो लड़की की पसंद का ख्याल रखेगा। और लड़की को इख्तियार दिया गया कि अगर वली ने उस पर जबर किया, उस पर सख्ती उसकी पसंद के बगैर किया, तो निकाह को फिस्क और मंसूख किया जा सकता है। बाब नंबर 14, बाप या कोई दूसरा सरपरस्त कंवारी या शोहर दीदा का निकाह उसकी रजामंदी के बगैर नहीं कर सकता। हदीस नंबर 1848। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा का निकाह उसकी इजाजत के बगैर नहीं किया जाएगा। इसी तरह दोशीजा का निकाह भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं किया जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंवारी कैसे इजाजत देगी? आपने फरमाया, उसकी इजाजत बस यही है कि वो सुनकर खामोश रहे। ये हया है ना। हदीस नंबर 1849। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंवारी लड़की तो शर्म करती है। आपने फरमाया, उसका खामोश हो जाना बजाय खुद वो क्या है? वो रजामंदी है। बाब नंबर 18, अगर बेटी की रजामंदी के बगैर निकाह कर दिया जाए तो वो नाजायज है। हदीस नंबर 1850। हजरत खंसा बिनते खुदाम रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनके बाप ने उनका निकाह कर दिया और वो शोहर दीदा थी और ये दूसरा निकाह उसे नापसंद था। आखिरकार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने उसके बाप का किया हुआ निकाह फिस्क करने का इख्तियार दे दिया। तो गोया ये मनसूख हो जाता है अगर शोहर की रजामंदी, अगर लड़की की रजामंदी को मद्देनजर नहीं रखा जाता। अल्लाह ने वली की रजामंदी को भी मद्देनजर रखा और वली को आदाब और सलीके भी सिखाए, बेटी को भी तरीके सिखाए और वली को भी आदाब और सलीके सिखाए।
باب نمبر سولہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پیغام میں نکاح پر پیغام نہ بھیجے تا آکے وہ نکاح کرے یا اس کا خیال چھوڑ دے. حدیث نمبر 1851. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے سودے پر سودا نہ کرے. اسی طرح کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیغام میں نکاح پر اپنے لیے پیغام میں نکاح نہ دے تا آکے پہلا شخص اس کی جگہ نکاح کا ارادہ ترک کر دے یا اسے پیغام دینے کی اجازت دے دے. یہ چھوٹا سا اس میں ایک تصور جو سمجھایا گیا ہے وہ یہ کہ سیلفشنس اور خود غرضی سے بچنا ضروری ہے, اور صرف اپنی خواہش اور اپنی فکر کرنا جو ہے یہ بڑی بہت ہی بڑی خود غرضی ہے. کسی کے سودے پر سودا نہ کرے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں آپ کسی دکان میں جاتے ہیں اور ایک گاہک اور دکاندار کے درمیان جو ہے وہ بحث تکرار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سودا طے پا رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ پرنٹ پسند آ جاتا ہے, ہمیں وہ ہینڈ بیگ پسند آ جاتا ہے, اور وہ سودا جو ہے وہ 5,000 پر طے پایا, اور بعد میں پسند کرنے والی جو دوسری دیکھ رہی ہوتی ہے للچائی ہوئی نظروں سے وہ دکاندار کو کہتی ہے میں 5,500 دے دوں گی, مجھے دے دو. یہ غلط ہے, یہ سیلفشنس ہے, یہ خود غرضی ہے, یہ حرص ہے, حوث ہے, طمع ہے, لالچ ہے, اور یہ بیڈ ٹیسٹ اور بیڈ ایتھکس ہیں. ایک سودا ہو گیا ہے ہو لینے دو, اور اگر نہیں ہوگا وہ معاملہ ان کا اس پہ طے نہیں ہوا, وہ چھوڑ کے چلا جائے گا گاہک, تو پھر تم اس کو لینے کا اختیار رکھتے ہو. لیکن ہمارے یہاں تو حالات اس سے بھی زیادہ ہیں. وہ ڈیزائنروں کی جس دن راتوں کو سیل لگتی ہے تو وہ اوور بڈ کرنا اور اوور قیمت لگانا تو بات ہی ہے, ایسے چہروں کے اوپر تماچے لگائے جاتے ہیں, بال نوچے جاتے ہیں, دکاندار بیچارے تو دکانوں کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں, اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی اور گالی گلوچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ تکاثر ہے. الحاکم التکاثر, غافل کر دیا تم کو تکاثر نے. ایک سے ایک بڑھ کے پہننے کا شوق, لیٹسٹ ڈیزائنر پرنٹ پہننے کا شوق, دوسروں سے زیادہ اچھا پہننے کا شوق, اتنا ہی غافل کر دیا کہ نہ اخلاق کا پتہ رہا, نہ زبان کا پتہ رہا, نہ حیا کا پتہ رہا. اور پھر ان کی ویڈیوز بنا بنا کے وہ اشتہار بازی کے طور پر چلاتے ہیں اپنے کپڑوں کو بیچنے کے لیے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں, یہ کر کیا رہی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نکاح کے پیغام پر بھی نکاح کا پیغام نہیں دینا. کسی ایک نے نکاح کا پیغام دے دیا, وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے, لڑکی والے انکار کر دیتے ہیں, اس کے بعد اگلا پیغام جائے گا. باب نمبر 17. ان شروط کا بیان جس کا بوقت نکاح طے کرنا جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 1852. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے, یعنی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مسلمان بہن کے لیے طلاق کا سوال کرے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈیل لے, کیونکہ اس کی تقدیر میں جو ہوگا وہی ملے گا. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں خاتون پہلے ہوتی ہے, بعد میں کسی دوسری کے ساتھ نکاح کا طریقہ اختیار کرنے کا عمل اب جاری ہوتا ہے, اور وہ دوسری بیوی خاتون جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے نا, وہ شرط یہ لگاتی ہے میں تو تمہارے ساتھ تبھی نکاح کروں گی جب تم پہلی کو چھوڑو گے. تو اس قسم کی شرطیں لگانا یہ حدیث منع کر رہی ہے. بھئی تمہیں پتا ہے اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, وہ ان کے ساتھ رہ رہے بس رہے, اگر تم نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو ٹیک ہم ایز اٹ از. اگر تمہیں وہ شوہر ایز شوہر بیوی کا اور بچوں کے باپ کے طور پہ قبول ہے تو یو کانٹ ہیو یور پیس آف کیک اینڈ ایٹ اٹ ایز ویل. نا تم کسی کے حق پہ ڈاکہ پہلے مار رہی ہو, زیادتی حق تلفی پہلے کر رہی ہو, اور پھر اس کے بعد کہہ رہی ہو کہ اس کو بھی گھر سے نکال دو, رازق اللہ ہے جو اس کو دے رہے وہ تمہیں بھی دے دے گا. تو یہ وہ ہرس حوث طمع اور لالچ کا معاملہ ہے, اس سے منع کیا جا رہا ہے. باب نمبر 18. جو عورتیں خیر و برکت کی دعا کے ساتھ دلہن اور دلہا کے لیے پیش کریں ان کا کیا حق ہے. حدیث نمبر 1853. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک انصاری دلہا کے لیے اس کی دلہن کو تیار کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے ساتھ کوئی کھیل کود کا سامان نہ تھا, کیونکہ انصاری لوگ گانے بجانے سے خوش ہوتے ہیں. اچھا جناب, اب یہاں پر اس حدیث میں ایک اور چیز, دو باتیں جو شادی بیاہ کے موقع پر اور نکاح کے موقع پر تصور سمجھ میں آ رہا ہے. ایک تو دلہن کو شوہر کے لیے سجانا, اس کی اجازت موجود ہے. یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کے لیے اس کی بیوی کو سجایا. تو دلہن کو سجانا, بنانا, زیور پہنانا, اچھا لباس پہنانا, بناؤ سنگھار کرنا, یہ جائز حلال اور پسندیدہ ہے. اور ویسے بھی ایک عورت
औरत जब अपने शोहर के लिए सजती और बनाव सिंगार करती है तो हमें मालूम होता है कि 200 साल की इबादत का अजर दे दी जाती है, तो ये जायज और परमिसिबल है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी हवाला पता चलता है ना, वो फरमाती हैं कि जब मेरा निकाह हुआ तो वो मदीना मक्का में निकाह हुआ था, हिजरत करके जब मदीना तशरीफ ले आई तो कहती है कि जिस दिन मेरी रुखसती हुई मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अब जरा सादगी का अंदाज देखिएगा, मैं आगे भी जाके बात करती हूँ ना। कहती है कि मैं अपने घर में झूला झूल रही थी, मेरी वालिदा उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई, मेरे हाथ और मेरे हाथ को और मेरे मुंह को अपने चादर के पल्ले से साफ किया, पूछा और मेरे हाथ मुंह धुलवाए और मुझे अब पकड़ हाथ से पकड़ा और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर छोड़ आई। वाह सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहजादी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के इस हेड ऑफ द स्टेट की के घर में जा रही हैं, लेकिन ना कोई बारात है, ना कोई बाराती है, ना कोई ढोल है, ना कोई ताशे है, ना कोई बाजे। माँ पकड़ती और बेटी को जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखन में छोड़ आती। क्या खुशी में कमी आ गई थी, क्या मोहब्बतों में कोई फतूर रह गया था? सबसे प्यारी कौन? आयशा। मोहब्बत से फरमाते हैं, आज ये खुशियों के जामिन नहीं है, ये मेदियां, ये माइयों, ये ढोलकियां, ये रंगोलियां, ये होलियां, ये जोड़े, ये लिबास, ये डिजाइनर, ये ब्राइडल सेट, ये मेकअप्स, ये कॉस्ट्यूम, ये खुशी की जमानत नहीं है, बल्कि फाड़ के निकाल दीजिए अपनी जिंदगी में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो निकाह, जिस निकाह में जितने अखराजात कम होते हैं उसमें बरकत उतनी ज्यादा होती है। कहती हैं कि मेरी वालदा मुझे हाथ पकड़ के वहां पे छोड़ आई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में, अलबत्ता कुछ औरतें जमा थी, उन्होंने मेरा बनाव सिंगार किया और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया। ये वो तरीकाकार है, ये वो तरीकाकार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आता है। इधर बीवी घर में आ रही है तो कोई बारात लेकर नहीं गए थे, कोई ढोल बाजे लेकर नहीं गए थे, कोई तमाशा नहीं है, कोई इस किस्म का मामला नहीं, ना खाने खिलाए गए, ना दस्तरखान सजाए गए, कुछ भी नहीं। और उधर फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, वो घर से रुखसत होती है, तो क्या तरीका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में खुद अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया था, कुछ दिनों के बाद रुखसती कैसे हुई थी? फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, रुखसती कैसे हो रही है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ऊंटनी पर सवार किया गया था, एक लौंडी साथ गई थी, हजरत सुलेमान रजी अल्लाह तआला अन्हा जिनके लिए आपने फरमाया था सलमान मेरे अहले बैत हैं, हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला ने नकेल पकड़ी थी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर छोड़ आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बेटी और दामाद के घर तशरीफ ले गए थे, आपने दरवाजे पर दस्तक दी थी, बेटी ने हया से दरवाजा खोला था, आपने पानी का प्याला मंगवाया था, आपने पानी के अंदर अपनी उंगलियां मुबारक डाली थी और फिर छींटे बेटी पे भी डाले थे, बेटे पे भी डाले थे, दामाद पे भी डाले थे, बरकत की दुआ की थी, वापस पलट आए थे। ये निकाह था फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, ना बारात ना बारात थी। आज हालात क्या है? ये सब कुछ शरायत निकाह नहीं है। आज हमारी शादियों का तरीका एक महीना पहले से फंक्शन शुरू हो जाते हैं, वो अदले बदले लेने देने की ढोलकियां पहले मामी ने की है, फिर फूफी करेगी, फिर खाला ने की है, फिर चाची करेगी, इसने मेरी की थी मैं इसकी करूंगी, एक महीने से पहले मेहंदियां, उनमें खाने, उनमें तमाशे, उनमें नाच गाने की प्रैक्टिसेस, इंडियन गानों के ऊपर डांस प्रैक्टिसेस और क्या खराफात हैं। एक महीना पहले से फंक्शन शुरू हो जाते हैं, एक मील दूर से लाइटें शुरू हो जाती हैं, नाच नाच के गा गा के मेहंदियां ढोलकियां माइयों क्या क्या कुछ, और ब्राइडल शावर्स भी हमने शामिल कर लिए, अंग्रेजों की रसूमात भी ले आए, हिंदुओं की भी ले आए, सिखों की भी ले आए, क्या मगलूबा बना दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सुन्नतों को छोड़ दिया, वहां तो था ही कुछ नहीं, निकाह पढ़ो और हाथ पकड़ के भेज दो लड़की को। कितना मुश्किल होता है वो वक्त एक बेटी वालों के लिए, कितना भारी होता है, अपने जिगर के टुकड़े को अपने दिल से जुदा करना होता है। वो बेटी अपने घर से जहां जवानी लड़कपन गुजरा है वो वहां से निकल रही होती है, एक जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो रहा होता है उसका, एक जिंदगी में से इतनी प्यारी बेटी घर से निकल रही होती है, उस वक्त उसके उसको सारे के सारे उस बारातों की अरेंजमेंटों के मुशक्कत में डाल देते हैं और हम समझते हैं गलती नहीं है। नाच नाच के मेहंदी और ढोलकियों के वो सेट्स और वो महफिलें जिनके लिए अल्लाह कहता है ला तक़ुदू माहुम, तुम उन महफिलों में ही ना बैठा करो,
वो डांस फ्लोर्स हैं, वो डिस्को लाइट्स हैं, वहां पे लड़की भी नाच रही है, लड़का भी नाच रहा है, लड़की की माँ भी नाच रही है, लड़के की माँ भी नाच रही है, सारा घराना नाच रहा है, वो लड़की अपने शौहर के कजन्स के साथ नाच रही है, लड़का बीवी के होने वाली दोस्तों के साथ नाच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? और हम कुरान और हदीस पढ़ने वाले वहां बैठे भी होते हैं, ला तक़ुदू माहुम, उनके साथ बैठा तो ना करो, तुम्हारी प्रेजेंस सेकंड कर देती है कि ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है इस्लाम में। तुम्हारी एब्सेंस से खामोश पैगाम दे देगी कि ये सब चीजें, अगर वो लाडली खाला और पुप्पी नहीं है तो उसकी एब्सेंस एक पैगाम देगी। वहां बैठे रहोगे, ईमान में खलल आ जाएगा, दीन बिगड़ जाएगा, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना, तुम्हारा सरमाया, तुम्हारा ईमान, और तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा तो तुम्हारी औलादों का बिगड़ जाएगा। प्रेसिडेंस छोड़ रहे हो अपने बच्चों के लिए कि ये परमिसेबल है। नाच गाना फलक शगाफ मौसीकी के नारे, हया उतर गई, लड़की भी नाच रही है, लड़का भी नाच रहा है, लड़के की मां किस बात पे नाच रही है, लड़की की मां किस बात पे नाच रही है। मैं तो हैरान होती हूँ लड़की के मेके वाले नाच किस बात पर है। शायद भाई इसलिए नाचता है कि शुक्र है ये गंद की गठड़ी चलेगी हमारे घर से, और वो लड़के वाले शायद इसलिए नाच रहे होते कि इस नखट्टू को भी किसी ने बेटी दे दी, वो बर पे नाच रहे, ये घर पे नाच रहे, पता नहीं इसलिए खुश हो रहे होते हैं कि जहेज बहुत सा मिल गया। नाचते नाचते हम, आप देखिए ये चीजें बरकत नहीं ला रही हैं, ये शरायते निकाह में नहीं है। लोग कहते हैं कहां लिखा है कि ये चीजें परमिसेबल नहीं है, आप मुझे बताएं कहां लिखा है कि ये परमिसेबल हैं? जो चीजें करने की थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बता दी गई, करके दिखा दी गई, वलीमा किया जाएगा, जहेज हक महर दिया जाएगा, खुतबा पढ़ा जाएगा, गवाह होंगे, वली की रजामंदी होगी, इजाबो कबूल होगा, दोनों की रजामंदी होगी, ये करके दिखा दिया गया ना, कुरान ने बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया, जो जो करना था निकाह में करके दिखा दिया गया, बता दिया गया, सिखा दिया गया, जो नहीं करना था वो नहीं किया गया। सारी ना करने वाली चीजों पर डोंट नहीं कहती शरीयत। अब आप मुझे बताएं कि नमाज हम इस तरह क्यों पढ़ते हैं? कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि हम रकू में सर हाथ पे नहीं रख सकते? बताएं क्यों नहीं रखते आप सर हाथ सर पे क्यों नहीं रखते? जब आप कयाम में खड़े हैं तो आप हाथ को यहां पे क्यों नहीं रखते, आप यहां पे क्यों रखते हैं? क्योंकि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही रखते हुए देखा। किसी हदीस में तो नहीं ये लिखा हुआ कि जब कयाम में खड़े हो तो अपने हाथों को अपने दोनों सर के किनारों पर ना रखना? नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर क्यों रखते हैं यहां पर? क्योंकि सुन्नत का ये तरीका है। तो इसी तरह किसी हदीस में यह तो नहीं कहा गया कि बारात लेकर ना जाना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि ना लेकर गए थे और ना आई थी, तो लिहाजा यही हमारे लिए सुन्नत है। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, तो जैसे आपकी बेटी रुखसत हुई बगैर बारात के, बगैर मेहंदी ढोलकी माइयों के और रंगोलियों के, और जैसे आपके घर अजवाज मुताहरात आई, वही हमारे लिए नमूना है। ये बेजा का बोझ शरीयत का तरीका नहीं है। और सजाया जाना, बहू को दुल्हन को सजाया जाना ये तसव्वुर है, वो सजाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, लेकिन किसके लिए? शोहर के लिए। और हदूद के अंदर हमारे माशरे में उसका भी हमने जनाजा भी खेर के रख दिया। वो सजने जाती है, सुबह अपने घर से जाती है, मेहंदी की रात की थकी हारी 3 बजे रात को सोने के बाद उसकी फजर की नमाज तो दुल्हन की वैसे ही छूट जाती है, फिर उसके बाद ब्यूटी पार्लर में उसकी जोहर असर मगरिब सब नमाजें छुटती पे छुटती चली जाती, घर में आती ऐशा के वक्त आती, अब कोई बेवकूफ उसको कह कहा सकता है किसे को नमाज पे? ये कहां पड़ेगी, इसे तो बैठा नहीं जा रहा इतना 10 लाख का डिजाइनर पहन के, और अगर कोई अहमक उसे कह देगा कि वुजू करके नमाज पढ़ो तो सब उसके ऊपर पंजे झाड़ के बैठ जाए। नमाज पढ़े, वुजू करे, तुम्हारी मत मारी गई? अरे जो नमाज को कह रहा है उसकी मत मारी गई? अरे मत तो उसकी मारी गई है जो आज अपने घर से बगैर नमाज के रुखसत हो रही है। कौन सी जिंदगी गुजार के रुखसत हो रही है? अपने बाप के घर में, अपने मेके में अपना अपना बचपन, अपनी जवानी गुजार के जा रही है। वो तो इस वक्त सजदे में भी पड़ी रहे ना, तो जितनी मोहब्बत, जितनी शफकत, जितनी इज्जत, जितनी नेमतें उसको मां बाप ने दी थी अल्लाह के वसीले से, अल्लाह ने इनके वसीले से दी थी, वो सजदे में भी पड़ी रहे ना इन दिनों में, तो वो शुक्र नहीं कर सकती। और अगली जिंदगी का मरला शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इतनी बड़ी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नमाज के बगैर ही कर लेगी, बाप के घर से निकल आएगी और ससुर के घर में दाखिल हो जाएगी बगैर सजदे के, बगैर नमाज के, बगैर नवाफिल के, फिर बरकत आएगी।
कैसे समझेंगे कि बरकत आएगी। लेकिन आ भी जाती है, ये मेरा रब बड़ा मेहरबान है ना, ये तो मेरा रब बड़ा करम करने वाला है ना। बगैर नमाज के वो रुखसत हो जाती है, बगैर नमाज के वो दाखिल हो जाती है, बगैर नमाज के अगला दिन शुरू हो जाता है, और फिर वो सजाई जाती है, बनाई जाती है, संवारी जाती है। कितने लाखों उसके बनाव सिंगार में, कितने लाखों उसके जोड़ों में, उसके डिजाइनर मेकअप, उसके डिजाइनर ज्वेलरी में, और फिर कैसे उसका सीना खोला जाता है, वो जो रब कहता है, या ज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने घरों में अपने बापों अपने भाइयों के भी सामने होना तो अपने सीनों पे अपनी ओढ़नी अपने सरों को ढांप के रखा करो, उसका सीना खोल के स्लीवलेस पहना के उसको स्टेज के ऊपर हूर परी बना के उसके ऊपर स्पॉट लाइटें फिक्स करके उसके इर्द गिर्द फूलों की जन्नतें बना के उसकी फोटोशूट दिखाई जाती हैं। उसका शौहर तो उसको बाद में देखेगा, सारी बरादरी, सारा माशरा, सारा मोहल्ला, शोहर के दोस्त, शोहर के कजन्स, बैरे, बटलर, वेटर, ड्राइवर सब देखते हैं, फोटोग्राफर्स, वीडियो मेकर्स वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें खींच खींच के सारे फेसबुकों के ऊपर पोस्ट हो जाती है। वो देखने वाला तो बाद में देखेगा, जिसके लिए सजी थी वो तो पता नहीं देखेगा कि नहीं देखेगा, बाकी सारी दुनिया ने देख लिया है। देखने की चीज इसे बार बार देख, और जब रुखसत कर रहे होते हैं तो हमें कुरान याद आ जाता है, उसके साए में रुखसत करना याद आ जाता। बनाओ सिंगार जायज है, हलाल है, परमिसिबल है, लेकिन हदूद के अंदर, पर्दे की हदूद और कयूद के अंदर, जिसके लिए सजाया गया वो देखे, लेकिन बाकी माशरे को तो ना दिखाओ। और वैसे भी इस्लामी शादी के अंदर खुशी, हंसना, खेलना, और ये जो दफ का तसव्वुर है, वो बच्चियां, आपने फरमाया था कि वो बच्चियां, छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, गाने क्या गा रही होती थी, अपने अपने पुराने मुजाहिदों की बहादुरी और जुर्रत के तराने गा रही होती थी। हाँ, अगर ऐसी कोई एनवायरमेंट है कि छोटी नाबालिग बच्चियां कोई कौमी तराने गाएं और परात और दफली पे बजा के गाएं तो बस खा लीजिए, लेकिन ये मेहंदियां, ये ढोलकियां, क्या उनमें ये सब कुछ है? क्या ये हदीस उन चीजों का जवाज है, और ये हदीस की परमिसिबल चीजें, और हम किधर जा रहे? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बाब नंबर 19, जब खामिद अपनी बीवी के पास आए तो क्या कहे? हदीस नंबर 1854, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अपनी बीवी के पास आते वक्त बिस्मिल्लाह कहे और ये दुआ पढ़े कि ए अल्लाह मुझे शैतान से दूर रख, और जो औलाद हमें दे शैतान को उससे भी दूर रख, तो उनके यहां जो बच्चा पैदा होगा उसे शैतान कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बड़ी खूबसूरत दुआ है अज़वाजी से पहले। वो हदीस में आता है कि वो शोहर जो है वो अपनी बीवी के पेशानी के बाल पकड़े और ये दुआ पढ़े। ये सुन्नत की मसनून दुआ है, बेहतरीन हिफाजत की दुआ है। और इसी तरह वो विलादत के वक्त की दुआ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अल्फाज जो सूरह इमरान में आते हैं, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतिहा मिनश्शैतानिर रजीम, उधर जिस्मानी ताल्लुक के वक्त शैतान की उकसाहटों से बचाने की दुआ, उधर वजाए हमल के वक्त शैतान की उकसाहटों से बचाने की दुआ। ये अव्वलीन तरजीह और पैमाना होना जरूरी है। जब ये पैमाने होते हैं, ये दुआएं होती हैं, ये तरजीहात होती हैं, तो रब खुद ही हिफाजत करता है। आज माएं परेशान होती हैं कि हम बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बदलते नहीं, वो शैतान की डगर पर चलते क्यों हैं, हम क्या करें, हमें वजीफे बताएं, जरा मुहासबा अभी तो करें। क्या हमने ये दुआएं उन मौकों पे पढ़ी थी? अब अगर कमियां कोताहियां हो गई तो ये दुआएं आगे पास ऑन कर दीजिए, इन लोगों को सिखा दीजिए, ताकि इंशाल्लाह कोई और पढ़ेगा तो उनकी जरूरत बच जाएगी, ताकि कोई और सुन्नतें पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उनका अजर हमें भी मिल जाएगा। बाब नंबर 20, वलीमा में एक बकरी भी काफी है। हदीस नंबर 1855, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी अहलिया का ऐसा वलीमा नहीं किया जैसे उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का किया। उनकी दावत वलीमा में एक बकरी को ज़िबा किया गया था। बाब नंबर 21, एक बकरी से कम का वलीमा करना भी जायज है। हदीस नंबर 1856, हजरत सफिया बिनते शाइबा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज़ अज़वाज मुतहरात का वलीमा दो मुद जौ से किया। दैट वाज ऑल।
باب نمبر 22 دعوت ولیمہ کا قبول کرنا ضروری ہے. نیز اگر کوئی 7 دن تک دعوت ولیمہ کھلائے تو بھی جائز ہے. حدیث نمبر 1857 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو دعوت ولیمہ پر بلایا جائے تو اس میں ضرور شریک ہونا چاہیے. گویا اب اگلی شرط جو ہے وہ ولیمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے. اس کا مطلب ایک تو اعلان نکاح ہے. شریعت میں نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے. پوشیدہ نکاح کا بھی تصور اسلام میں درست نہیں ہے. پوشیدہ نکاح کو بھی اسلام میں درست نہیں سمجھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا مقصد اپنے عزیز و اقارب کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے. ولیمہ لڑکے کی جیب اور مالی استطاعت کے مطابق ہوگا. اس کے کچھ رشتہ دار بھی اس کام میں اس کی معاونت اور مدد کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ولیمہ اپنی مالی استطاعت اور جیب کے مطابق بڑا بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ نے وہ چمڑے کا دسترخوان بچھوایا تھا اور کوئی گھی لے آیا تھا, کوئی ستو لے آیا تھا, کوئی شہد لے آیا تھا, اور بس ایک حلوہ سا بنایا گیا تھا. دیٹ واز اٹ. ولیمہ بڑا بھی کیا جا سکتا ہے, چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے, اور جلدی بھی کیا جا سکتا ہے, ہفتے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہ وہ مالی استطاعت کے مطابق ہوگا, اور یہ اعلان نکاح اور خوشی میں شامل کرنے کے لیے. یہ ساری شرائط نکاح پر بات ہو گئی. اب دو شرائط رہ گئی, گواہوں کی موجودگی اور خطبہ نکاح. خطبہ نکاح باقاعدہ وہ مسنون کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے, اور اس میں بہت ہی خوبصورت سے کچھ سنہرے اصول ہیں جو آپ کامیاب خوشحال زندگی کے لیے اس وقت فریقین کو سناتے تھے. وہ دو گھرانے جو بیٹھے ہیں ان کو سناتے تھے تاکہ گھر کے معماروں کو وہ اصول سنا دیے جائیں. تو اور پھر میں آگے اب بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز پر دھیان ضرور ہی آپ کا مرکوز کرنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ ساری شرائط نکاح قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھی. ان شرائط نکاح میں حق مہر کا بھی تذکرہ آ گیا, ولیمے کا بھی تذکرہ آ گیا, ایجاب و قبول کا بھی تذکرہ آ گیا, نہیں آیا تو جہیز کا نہیں آیا. حق مہر تو شرائط نکاح میں ہے لیکن جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں آیا. کہیں بھی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کے مالی حقوق کی بڑی حفاظت کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق مہر نکاح کے موقع پر دلوا دیا تاکہ اس کو عادت پڑے. مردوں کو کہا الرجال قوامون علی النساء ما انفقوا, تم اس پر خرچ کرتے ہو. نکاح کے موقع پر حق مہر دلا دیا, نکاح کے بعد اس کا نان نفقہ, بیوی کا نان نفقہ عورت کا مرد پر فرض کر دیا, اور یہ فرما دیا کہ ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالو گے تو صدقہ ہے, اس کو تحفہ دو گے تو صدقہ ہے, تمہارا بہترین درہم وہ ہے جو تم اپنے اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو. پھر اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا کہ طلاق دے کر اگر رخصت کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو. پھر ایک بہترین صدقہ تمہاری وہ بیوی, تمہاری وہ بہن جو بیوہ اور متعلقہ ہو کر آتی ہے, وہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے. ماؤں کا حق, بیویوں کا حق, بہنوں کا حق, بیٹیوں کا حق. تم اپنی بیٹیوں کو, دو بیٹیوں سے آزمائے گئے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا, بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی, اور جب وہ بالغ ہو گئیں تو ان کا نکاح کر دیا, تو جنت میں میرے ساتھ یوں ہوں گے. تو ماؤں پر, بہنوں پر, بیویوں پر, بیٹیوں پر, سب پر خرچ کرنے اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تاکید بھی ہے, اس کا حکم بھی ہے, اور اس کا اجر بھی بتایا گیا. لیکن کہیں قرآن میں, حدیث میں کہیں یہ نہیں آتا کہ اے ایمان والو, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے نکاح کے موقع پر رخصت کیا کرو. یہ شرائط نکاح میں سے جہیز نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے. نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دے کر بھیجا گیا تھا, حالانکہ بالکل خالی مفلس گھرانے میں جا رہے. وہ جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیز نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تو حق مہر میں سے سامان لے کر دیا گیا تھا, کیونکہ گھر میں کوئی بستر بوریا نہیں تھا, مشکیزہ کوئی بھی چیز نہیں تھی. وہ جہیز نہیں تھا, وہ حق مہر میں سے سامان لے کر دیا گیا تھا. نہ بیٹیوں کو دے کر بھیجا گیا, نہ بیویوں سے لے کر رکھا گیا. نہ قرآن میں ثابت ہے, نہ حدیث میں ثابت ہے, نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے ہمسائے پڑوسی ہندو ملک سے ہم نے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, یا ہم نے امپورٹ کیا. یہ ہندوانہ رسم ہے, یہ ہندوانہ رسم ہے. ساری زندگی مائیں 7 سال کی بیٹی ہوتی ہے, پیٹی کا منہ کھول کے اس میں سامان بھرنے لگتی ہیں, جہیز کی تیاری کرتی ہیں. نہیں کرتی تو اس کو قرآن پڑھانے کا جہیز دے کر رخصت نہیں کرتی ہیں. ہم شاید اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے ضامن بن جاتے ہیں کہ ان کو جہیز دیں گے تو ان کی خوشیوں کی ضمانت ہو جائے گی. یہ جہیز ہندوانہ رسم ہے, ان کو بوجھ بنا دیتی ہے, اس کو بوجھ بنا کے دے کے رخصت کرتے ہیں, اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں اب جہیز دے دیا, اب ہم سے وراثت مانگنے کے لیے نہ آ جانا. یہ جہیز کو وراثت کا نعم البدل بنا دیا. جہیز تو اس بچی کو بوجھ بنا دیا معاشرے پر, اس کو بوجھ بنا دیتی ہے یہ جہیز کی رسم معاشرے پر.
वो अपने भाई, अपने बाप, अपनी माँ के लिए वो बर्तन मांझ मांझ के जहेज जमा करती है, बाप गुर्दे बेच के जहेज जमा करता है, भाई कर्जा लेके जहेज जमा करता है, वो सारी जिंदगी बोझ की गठड़ी रहती है। विरासत में अल्लाह दिलाता है तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करता, वो बोझ नहीं बनती, उसको हक समझ के उसके बाप और भाई और बेटे का दिया जाता है। हमारे अहकाम शरीयत के बेहतरीन अहकाम है। और फिर ये तरीका कार, ये जहेज कहीं भी खैर बरकत नहीं लाता। अगर हम देखते हैं कि खाता पीता तबका कहता है कि हम तो दे सकते हैं, हम क्यों ना दें, जो नहीं दे सकते वो ना दें, जब खाता पीता तबका देता है तो वो प्रेसिडेंस, वो नमूना बन जाता है माशरे के अंदर। उस कमजोर तबके में से कितनी बच्चियों के बालों में चांदी के तार आ जाते हैं कि माओं के बापों के पास जहेज नहीं है, बच्चियां घरों की दहलीजों बैठी रह जाती। और अगर देने वाले भी दे सकते हैं ना, तो ये जहेज खैर बरकत नहीं लाता होता। ये बहनों को बहनों से लड़ाता है, समधियों को समधियों से लड़ाता है, सास और बहू को लड़ाता है, देवरानियों जिठानियों को, भाभियों और बहनों को, नंदों को लड़ाता है। वो जहेज का सामान अगर पड़ा हुआ है तो मुसीबत, निकालती नहीं है, इस्तेमाल नहीं करती। और अगर वो इस्तेमाल करती है और उसकी चीज टूटती है तो मुसीबत। जिसके घर भेज रहे हैं, जिनको दे रहे हैं, जिस घर के हवाले कर रहे हैं, जिस घर के हवाले कर रहे हैं, उनके उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को पहले परख लीजिए, कंगाल लीजिए, और फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल और कनात करके भेज दीजिए। हम खुशियों के जामिन नहीं बन सकते हैं, ये खैर और बरकत का जरिया नहीं बनता। और जब अल्लाह ने एक चीज मना कर दी, अल्लाह ने कुरान में एक से ज्यादा मकाम पर फरमाया वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, कि एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, और बातिल तरीके से खाया हुआ माल जो है वो उसमें जहेज उसकी फहरिस्त में शामिल है। ये हमारी रस्म नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, कहीं हदीस से साबित नहीं है, कहीं कुरान में इसका तस्करा नहीं है। अल्लाह सुबहान ताला, जब हम बेटों की माएं और बेटों की भाइयों की बहनें बन जाती हैं, तो अल्लाह उस वक्त हमें ये रस्म को खत्म करने में अपना किरदार अदा करने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, जहन नशीन कर लीजिए, वो निकाह जिसमें अखराजात जितने कम होते हैं उसमें बरकत उतनी ही ज्यादा होती है। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रता आयुनि व जअलना लिल्मुत्तकीना इमामा। अल्लाह सुबहाना ताला हमें अपनी अजवाज के लिए और हमारी अजवाज को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारे औलादों को भी बेहतरीन औलाद, सही सालिम तंदुरुस्त औलादे भी अता फरमा, नेक सवाले अजवाज भी अता फरमा। अल्लाह हमारे भी घरों को सुकून और मोहब्बत, हमारी औलादों के घरों को भी सुकून और मोहब्बत के बेहतरीन ईमान दीन इस्लाम के गहवारे बना। अल्लाह सुबहाना ताला ये किताबें जो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह इन अहकामात को याद रखने, इनको याद रखने, इनको मानने, इन पर अमल करने और अपने ज़िंदगी के खाकों के रंग भरने की तौफीक अता फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين।